जो अभी जब पी बनाने चले हम लोग मध्य प्रदेश में, तो हमने मध्य प्रदेश में अभी 3 एमसीपी हमारे पास में एमसीपी है, और हमारे पास में 6, 3, 9, 6, 15 और 1, 16 हमारे पास में सीपी है, और कोई हमारे पास में 40 से ज्यादा इस समय एसीपी है। ये टीम अभी मध्य प्रदेश में हमारी बनी हुई है। अभी जब टीम बना रहे थे हम, तो हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न थे जो अभी हम प्रॉपरली सबको ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों की जिज्ञासाएं बहुत रहती हैं। तो हमने विकास जी से इसलिए निवेदन किया था कि एक जो है ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग रख लेते हैं, और यदि हमारे जो एसीपी हैं वो डायरेक्ट सवाल जवाब करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए जो है आज की रखी है। आप सभी लोग जो इस ग्रुप में आज जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, हर तरीके के सवाल जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में हैं, जो भी सवाल आपके हों वो यहाँ पर आप फ्रीली पूछें, कोई झिझक मन में ना रखें। विकास जी आपके हर सवाल का आपको जवाब देंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे, इस बात की मेरी जो है पूरा मुझे पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, अनुपम जी आपसे शुरू करूँ। बिल्कुल विकास जी नमस्कार। विकास जी, नॉर्मली जब हम अपनी चैनल पार्टनर या एसीपी को या जो यूजर्स हैं या रेफरल्स जो हैं उनको जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो इजीएस्ट वे कि आप अपने जो खुद की आवश्यकताएं जो है ऑनलाइन शॉपिंग के मार्फत आप जो करते हैं, आप सबसे पहले उनको स्टार्ट कीजिए। तो सर मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि अपने अपने जितने लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, अगर वो अपना माइक म्यूट रखते हैं तो क्या है ये जो डिस्टर्बेंस आ रही है ये नहीं आएगी? या एक काम करते हैं कि मैं यहाँ सबको म्यूट कर देता हूँ, जब भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, और बीच में अगर किसी को बोलना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। तो ओके, अनुपम तिवारी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन था, और बाकी सब अभी म्यूट पे रहिएगा। जब आपको कुछ बोलना है तभी आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना था कि जब हम शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हम हर चीज को चेक करना चाहते हैं कि वो चीज वाकई में सिस्टम में हो रही है या कहीं कोई और चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। जितने को समझ में आया कि अमेजोन के केस में जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमको प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद उस इनवॉइस को या उस बिल को अपलोड करना चाहिए। बिल्कुल सही। 1mg मेडिसिन वाले हम उसमें ऐप में जाते हैं तो वहां हमको 1mg का कूपन डालना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये दो चीज मैंने अभी चेक की है, तो थोड़ा सा आप और बताइए क्या, और जितने भी अपने पास में ब्रांडेड हैं, मेगा ब्रांड्स हैं, इनमें शॉपिंग करने के लिए अपने को किन किन चीजों की विशेष रूप के अपने को ख्याल रखना है कि वो अपने अपने क्रेडिट में काउंट हो। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी ब्रांड पे जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ब्रांड पे जा रहे हैं, चाहे वो मेगा ब्रांड में जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज में जा रहे हैं, हमने क्या किया, हर ब्रांड के बारे में उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, और हमने कोशिश किया उसको जितना छोटा रख सके उतना छोटा रखते, क्योंकि हम आप 15 पेज का बना देंगे तो अफकोर्स की बात है कोई रीड नहीं कर पाएगा। और बुलेट्स में हमने 8 से 10 पॉइंट दिए हुए हर ब्रांड से जाने से पहले, आप वहां पे अगर पढ़ लेंगे, जैसे 1mg वाला जो अभी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, 1mg का सबसे पहला पॉइंट हमने यही दिया है कि आपको जाने के बाद ये कोड यूज करना है। तो अभी क्यों, क्योंकि आपके लिए नया है, तो पहली बार जब आप किसी भी ब्रांड पे स्विच करिए तो आप जो देख के जाइए उसके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा आपको प्रॉपर ट्रैकिंग मिलेगी और प्रॉपर हमें भी ट्रैकिंग मिलेगी, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं मिलेगी या हमें कमीशन नहीं मिलेगा, हम कैशबैक प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए बहुत टफ रहेगा। करेक्ट। अब जैसे अमेजोन पे अभी लोगों ने क्या किया कि कुछ बिल जैसे ही उन्होंने परचेज किया और इधर से परचेज किया और इधर बिल अपलोड कर दिया, अब बिल नहीं अपलोड किया, उन्होंने स्क्रीनशॉट देकर भी अपलोड कर दिया, और अमेजोन क्या करता है इसका हमें कुछ भी अभी पे नहीं करेगा, वो वेट करेगा जब तक वो पूरा टाइम निकल नहीं जाता और उसकी ट्रैकिंग भी नहीं देता, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद तो मुझे ट्रैकिंग देता है वो कि भाई हाँ आपके पोर्टल से आपके वहां से आके इतने लोगों ने शॉपिंग किया। अब जब वो मुझे लिस्ट देता है तब हमारी टीम मैच करती है, क्योंकि अमेजोन का पूरी तरह से मैनुअल है,
अगर आप देखेंगे अमेजोन के अलावा कोई भी बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट में कोई भी ऐसा वेंडर नहीं है जिसको हमें आपको बिल अपलोड करना पड़ता हो बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट में, केवल अमेजोन है। तो वहां पे हम मैनुअली चेक करते हैं कि ये बिल आपका कब आया और कब वो अटैच हुआ, बाकी रेस्ट तो ऑटोमेटिक है। तो बस वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर वेंडर अलग है, बिग बाजार के अपने अलग रूल्स हैं, मेक माई ट्रिप के अलग रूल्स हैं, बुक माई शो के अलग रूल्स हैं। आप समझिए ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है कि किसी ने सारी की सारी इकोनॉमी को एक जगह लाने की कोशिश करी है। आज तक क्या होता था, ऑनलाइन की ऑनलाइन वेबसाइट बन जाती थी, ऑफलाइन की ऑफलाइन बन जाती थी, जो बड़े ब्रांड थे उनके वाउचर अलग मिलते थे, बट हमने क्या किया पूरा का पूरा सिस्टम एक में मर्ज कर दिया। तो मगर सबकी टर्म्स एंड कंडीशन तो एक नहीं हो सकती है, क्योंकि अमेजोन आपको वापसी करने की फ्रीडम देता है, बिगुजार नहीं देता। बिगुजार कहता है हाँ अगर सामान खराब है वापस कर जाओ, बट पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको, हम दूसरा सामान दे देंगे। राइट। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? बिकॉज संजय जी ने ग्रुप में लिखा है कि वॉइस इज नॉट क्लियर। ये सर आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है। Okay. तो या तो आप अगर ईयर अभी आवाज ठीक है? Exactly. हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, वो पहले कट के आ रही थी। तो अभी मेरे हिसाब से आवाज राइट। थैंक यू संजय जी। संजय जी का स्वागत है। संजय जी जो है हम सबके आदरणीय। अनुपम जी का सवाल ये था कि जब हम किसी वेबसाइट की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मैंने इसके बारे में बताया आपको, जब भी आप किसी चीज पे भी जाएं, अगर अमेजोन में जा रहे हैं तो उससे पहले एक लिंक दिया हुआ है कि क्या क्या चीजों पे कैशबैक है क्या नहीं है, और जिन चीजों पे नहीं है हमने वो वहाँ पे छोटी सी लिस्ट भी दे रखी है। बिग बाजार शॉपर स्टॉप में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मिंत्रा में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे। तो आपको बस जाने से पहले एक बार ये देखते हैं कि भाई ये आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है। बहुत छोटा सा एक छोटा सा पेज ही हमने दिया हुआ है, आठ दस पॉइंट्स का ही है वो। आपको हार्डली मुझे लग रहा है इसके से दो मिनट भी नहीं लगेगा आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने में। आई होप तिवारी जी आपको बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है। विकास जी बताइए। कई सारे एसीपी ने एक बार आप जरा म्यूट कर दीजिए सबको एक मिनट। हाँ जी एक मिनट आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैंने अनम्यूट कर लिया है जी। बहुत सारे एसीपी ने मुझसे एक सवाल पूछा है, मैं उन सबके व्याप पे आपसे पूछ रहा था जी। इस एक एसीपी को पार्टनर हिंदुस्तान में वो कहीं भी अपॉइंट कर सकता है राइट जी, और एक पार्टनर यूपोस कहीं भी सेल कर सकता है हिंदुस्तान में राइट जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पार्टनर उस यूपोस की जो सेल आएगी जी, रनिंग सेल जो आएगी, वो उसका जो बेनिफिट है वो उस पार्टनर को और उस एसीपी को और पूरी चैनल को मिलेगा जो भी उसका रेशियो होगा राइट राइट। अब मैं ये एक एग्जांपल रख रहा हूँ आपके पास कि सपोज ग्वालियर का एसीपी है, उसने ग्वालियर में पार्टनर बनाया और उस पार्टनर ने अहमदाबाद में यूपोस सेल किया, तो जो अहमदाबाद वाला यूपोस जो सेल कर रहा है उसका बेनिफिट ग्वालियर के पार्टनर को मिल रहा है, ग्वालियर की पूरी चैनल को मिल रहा है, लेकिन जो पिन कोड पर वो यूपोस बैठा हुआ है उस पिन कोड वाले एसीपी को वो बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बेस्ट पार्ट क्या है, हमारे में दोनों को बेनिफिट मिलेगा, वहां बैठे हुए एसीपी को क्योंकि वो वहां के लोकल यूजर्स को सर्विस दे रहा होगा, तो वो जो यूजर वाला बेनिफिट है वो लोकल एसीपी को जा रहा होगा, लोकल वेंडर वाला बेनिफिट भी लोकल एसीपी को जा रहा होगा, प्लस आपको यहाँ पे जिन्होंने यूपॉस सेल किया है वो यूपॉस टैग आपसे है, तो यूपॉस के जो सारे बेनिफिट है वो आपको जा रहे हैं। नहीं इधर जा रहे हैं वो तो बात समझ में आ रही है, अहमदाबाद वाली जो उस पर्टिकुलर पिन कोड पे जो एसीपी बैठा हुआ है उस चैनल को वो बेनिफिट उस यूपो सेल का जो ग्वालियर वाला पार्टनर ने जो यूपो अहमदाबाद में सेल किया हुआ है
और उस यूपो से जो सेल हो रही है उसका बेनिफिट अहमदाबाद वाले उस पर्टिकुलर पिन कोड के एसीपी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा होगा अगर वो सेल अपने पिन कोड पे ही कर रहा है तो, समझिए एसीपी की तीन इनकम है, एक है आपके यूपॉस से, जब आप यूपॉस से लिंक हो गए राइट, दूसरी इनकम है आपकी आपके लोकल वेंडर से जो आपने अपने पिन कोड में रजिस्टर किए हैं, तीसरे है जो आपके पिन कोड से रजिस्टर हुए हैं यूजर, तो फर्क नहीं पड़ता है वो यूजर किसने बनाया, किसके रेफरल से है या उसको सर्विस कौन दे रहा है, वो अगर आपके पिन कोड में है तो उसका बेनिफिट आपको ही जाएगा वहां के एसीपी को। जैसे कि अपन एग्जांपल लें, ग्वालियर का एक पिन कोड है 474001, 474001 पे जो एसीपी रजिस्टर को जो असाइन हुआ है जिस भी एसीपी को, उस 474001 पे जितने भी यूजर होंगे उनके थ्रू जो भी सेल्स हो रही होगी उसका बेनिफिट उस एसीपी को और उसकी चैनल को मिलेगा, चाहे वो यूजर किसी ने भी बनाए हो। बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। दूसरा, जरूरी नहीं है कि वो उसी पिन कोड में अगर यूजर खर्चा कर रहा है, वो इस पिन कोड का यूजर है, वो जैसे बॉम्बे गया और बॉम्बे में ताज में रुका जाके, वो भी उसका बेनिफिट इसी एसीपी को मिलेगा। ओके, सिंपल समझिए, जब आप ऐप पे रजिस्टर करते हैं तो ऐप आपसे पिन कोड मांगती है, बिना पिन कोड के कोई यूजर नहीं बन सकता इस कंपनी में, राइट? जी जी, पिन कोड पे जो एसीपी है उसकी ये ऑटोमेटिक इनकम है। नहीं लेकिन सर क्या हो रहा है, हमारे पास लोकल में जो हमारे पास में एसीपी बने हुए है उनके लिए कई जगह पिन कोड महाराष्ट्र में अवेलेबल, जैसे विदर्भा में हमारे पास 4 एमसीपी है और उनके जो सीपीज बन रहे सीपी के एसीपीज बन रहे तो महाराष्ट्र में माने उनको विदर्भा में पिन कोड नहीं है, इनके लिए पिन कोड लेना पड़ेगा, कई तो भी पश्चिम महाराष्ट्र से या कहीं से मराठवाड़ा से ऐसा लेके वो लोग बनेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में तो उन्होंने जो लोगों को बनाए यूजर्स को बनाए तो उनका तो बेनिफिट मार खाएगा ना। एक चीज समझिए, एक चीज फिर समझिए, हमने क्या किया है, हर सेगमेंट का बेनिफिट अलग रखा है तो उसको यूजर के बेनिफिट से कंफ्यूज मत होइए, जो यूजर से रिलेटेड बेनिफिट है वो उस बास्केट में जाएगा ही जाएगा। अब अगर आप दोनों हैं, अगर आप एसीपी और यूजर रेफरल दोनों हैं तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप केवल एसीपी है तो आपको एसीपी का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइए। मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट से मैं यूजर हूं, मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मेरा पिन कोड नंबर है एक्स वाई जेड, मेरा एसीपी है मिस्टर ए, राइट? अब उस एसीपी ने मुझे रिफर भी किया है, ठीक है, अब मैं रिफर्ड हूं मेरे ही एसीपी से, अब मैं चाहे जहां भी जाके शॉपिंग करूं मेरा पिन कोड का जो बेनिफिट है पहले तो वो मेरे एसीपी को मिलेगा, प्लस मेरा जो यूजर वाला बेनिफिट है वो यूजर बेनिफिट में उनको एसीपी को मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो दोनों बेनिफिट है, कहीं कोई बेनिफिट आपका जाने नहीं वाला है, ठीक 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 है। और मान लीजिए अब इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझाता हूँ, मेरा एसीपी अभी भी एक्स है ए है बट मुझे रिफर किया है लेट से देहरादून के किसी बंदे ने, मैं रहता है अहमदाबाद हूँ बट मेरा यूजर रेफरल है किसी देहरादून के बंदे से, तो मेरा यूजर बेनिफिट जो है वो चला जाएगा देहरादून वाले बंदे को और जो मेरा यूजर बेनिफिट इस पिन कोड से है वो मेरे एसीपी को मिल जाएगा। That's good. तो हर किसी को फायदा है, कोई किसी का कोई घाटा नहीं हो सकता सिस्टम में। ठीक सर, ठीक। एक्चुअली मैं ये जो प्रश्न उठ रहा है विकास जी, क्या है, जैसे एमपी स्टेट है, एमपी स्टेट थोड़ा बैकवर्ड स्टेट है, अब जैसे जो मेट्रो सिटीज है एमपी में उनमें जो पिन कोड है वो पिन कोड लिमिटेड है, वो 760 एसीपी को नहीं मिल सकते हैं, तो प्राइम पिन कोड 25-30% से ज्यादा नहीं बनेंगे, सो जो बकाया पिन कोड है वो एसीपी को देने पड़ेंगे। ओके, तो उनके पास में वहां पर वेंडर बनाने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी उन रिमोट एरियाज में, तो उनको वो वेंडर बेनिफिट
वहां पर बनाने से नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि उनको और कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे एसीपी अगर कहीं का भी पिन कोड होल्ड करता है। एक चीज बताना चाहूंगा, छोटे एरिया में जो कैटेगरी बी या सी कैटेगरी सिटीज हैं उनमें बल्कि आपको ज्यादा बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि लोकल वेंडर आपके कंट्रोल में है वहां पे, और उसका बेनिफिट आपको ही जाएगा 100%, क्योंकि आप वहां पे वेंडर भी बना रहे हैं, यूजर भी बना रहे हैं, और आप एसीपी भी खुद ही हैं। अभी जब मैं कैलकुलेटर खोलूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम आज जो कैलकुलेटर पे आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं कि लोकल वेंडर्स आपके सबसे ज्यादा कंट्रोल में ये बी और सी कैटेगरी सिटी में होगा, क्योंकि जो ए कैटेगरी सिटी है वहां पे तो ऑलरेडी भरमार है, ऑप्शंस की भी भरमार है, सब कुछ भरमार में है, और प्लस वहां पे कमी नहीं है लोगों के पास डिजिटलाइजेशन होने के लिए, सबकी अपनी वेबसाइट भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये एज अ स्टेट हेड या एमसीपी आप लोग को तय करना है सबसे पहले तो ये पिन कोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आप बेस्ट जानते हैं कि उस एरिया में किस तरह से कहां पे ज्योग्राफी में क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि एज अ ग्लोबल गार्नर हम ये काम नहीं कर सकते। तो वहां पे आपकी हेल्प हमें चाहिए होगी कि जहां पे आप लोग अपने हिसाब से पिन कोड देंगे एक सीपी को, एक एसीपी को, कि भाई उस सारे सबको बराबर से एक तो प्रॉपर मिल जाए, सेकेंडली जो एसीपी है उसको आपको पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, सिर्फ कैशबैक नहीं, सिर्फ वेंडर इनकम नहीं, जब आप वो पूरी पिक्चर देखेगा तो उनको इनकम अपने आप बहुत स्ट्रांग दिखेगी। और वो अभी मैं आज करूंगा, हम अभी जब ये क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म कर लेंगे मैं एक एसीपी की गोल सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा, अगर वो वेंडर नहीं भी बनाता है तो भी उसकी इनकम कितनी अच्छी होगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर उसके एरिया में वेंडर नहीं भी है तो भी इनकम कोई कमी नहीं है। और यदि एक एसीपी अपने पिन कोड से बाहर जाकर के वेंडर बनाता है वो तो वेंडर रिकवर कर सकता है, बना नहीं सकता है, जैसे एक यूजर करता है ना 2.7 वो जो है कृष्णो जी 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 संजय भैया नहीं मैं कह रहा हूँ केशव जी वो अपने पिन कोड पे केवल सर्विस दे रहा है ना, एज ए यूजर तो ऑल ओवर इंडिया में वो वेंडर बना सकता है और यूजर बना सकता है। एग्जैक्टली वो सर्विस केवल अपने पिन कोड वाले पे एरिया पे दे रहा है जो पिन कोड उसका है। नहीं बात यूजर की नहीं हो रही संजय भैया, बात वेंडर की हो रही है, वेंडर वो केवल अपने पिन कोड एरिया में ही बना सकता है। नहीं नहीं वो एज ए यूजर, एक वेंडर यूजर तो है ही है ना, वो तो ऑल ओवर इंडिया में वेंडर बना सकता है। मैं एज ए एसीपी बात कर रहा हूँ, उसको एसीपी में उसको एसीपी में टारगेट अलॉट किया जा रहा है कि आपको अपने पिन कोड एरिया में वेंडर बनाने हैं, ये उसको टारगेट दिया जा रहा है एज एसीपी नॉट एज यूजर। तो प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं मैं नहीं मैं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और उसके उसके एरिया में उसके पास में इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि वो जो है वो तो एरिया टू एरिया वेरी करेगा जिसके यहाँ एग्जैक्टली इसलिए मैं पूछा था ऐसी स्थिति में यदि वो किसी दूसरे एरिया में वेंडर बनाता है तो भी क्या उसको वो बेनिफिट मिलने वाले हैं? एग्जैक्टली वही, यदि वो किसी दूसरे एरिया में भी वेंडर बनाता है तो उसमें उसको शेयरिंग उसको मिलेगी 50% मिलेगा। मिनट विकास, मोर क्लियर। हेलो, जो वेंडर दूसरे एरिया का एसीपी है वो खुद उस एरिया में वेंडर रिक्रूट कर पाएगा या रेफर कर पाएगा? ऑफकोर्स रेफर कर पाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर तो सकते, आप रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, ये आप समझ लीजिए, आप रिकमेंड कर पाएंगे। हाँ, मेक इट वेरी क्लियर कि आप उस एसीपी को आप रिकमेंड करेंगे कि भैया ये वेंडर मेरा तैयार है, तुम जाके इसको रिक्रूट कर दो, बस दैट्स इट। और वो कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीजर है रमन भैया? नहीं रमन भैया, मेरे विचार से वो प्रोसेस कर देगा, अप्रूव करना होगा एसीपी को, वो एसीपी को ये नहीं बोलेगा जाके तुम रिक्रूट कर दो। नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, एसीपी अप्रूव करेगा। एक सेकंड, आप लोग मेरे अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ क्या होगा। अभी आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है मोबाइल का? बिल्कुल। अब आप एज ए एसीपी हो, चाहे सीपी हो, चाहे एमसीपी हो, सिस्टम में आप एक यूजर भी हैं इस कंपनी में। करेक्ट है। अब आप अपनी यूजर ऐप में जाएंगे,
सिंपल अपनी प्रोफाइल में जाएंगे और रिफर पे जाएंगे। ये तो यूजर रेफरल हो गया विकास जी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एज ए एसीपी भी आपको जो 50% शेयरिंग मिल रही है इसी तरह से मिलेगी। यूजर रेफरल नहीं बोल रहा हूं मैं। अब यूजर रेफरल तो ये हो गई लाइन, इसी के बगल में देखिए वेंडर लिखा हुआ है, राइट वेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप रिफर अ फ्रेंड जब करेंगे किसी को जी, तो जी, अब आप ये जब लिंक किसी को भेजेंगे तो ये बंदा आपके लिंक से रजिस्टर होगा ग्लोबल गार्नर में, लेकिन एज ए यूजर होगा। मैं इस समय यहाँ पर एज ए यूजर हूँ, नॉट एज ए एसीपी। देखिए एसीपी के लिए मुझे एसीपी का लॉगिन करना है। एसीपी सिंपल समझिए, एसीपी को ये राइट ही नहीं है कि दूसरे एरिया में वो रिक्रूट कर सके, वो केवल रिकमेंड कर सकता है। लेट से मैं एसीपी हूँ जलंधर का, मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ अहमदाबाद का वेंडर, बट क्या ये यहाँ का एसीपी उसको अप्रूव करने के लिए तैयार है, पहले तो ये बात है, क्योंकि सर्विस इसको देनी है। आप जलंधर का एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप एमपी में हैं। नहीं यार देखो अभी जो आप बिल्कुल बात समझिएगा पहले, ये पॉइंट हमने क्यों रखा है इसका बक्सा समझिएगा। आप हैं जलंधर में, जलंधर से आपने एक हमें वेंडर, आप वहां पे वेंडर बना रहे थे, आपका कोई फ्रेंड था अहमदाबाद में रहता है, उसने बोला भाई हाँ ठीक है चलो मैं भी वेंडर बन जाता हूँ, आपने बोला चलो मैं तुम्हें बनवा देता हूँ। अगर अप्रूवल आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो आप तो किसी को भी वेंडर बना दोगे इस एरिया में, बट सर्विस तो मुझे देनी है ना, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं उस बंदे से मैं नहीं जानता अभी, सबसे पहले तो मैंने उसकी रेकी नहीं करी है, मैंने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया है। अगर मुझे वो बंदा समझ में आएगा तो मैं अप्रूव करूंगा, अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं अप्रूव नहीं करूंगा। मेरे पे यहाँ पे एज अ लोकल एसीपी मेरे पे कंपल्शन नहीं है कि आपने जो रिकमेंड किया वो मुझे कंफर्म करना ही करना है, क्योंकि दोनों चीज समझिए, आप जलंधर से इस बंदे को सर्विस नहीं दे सकते हैं। लेट से उसने बोला यार मुझे कैटलॉगिंग करनी है, मुझे मेरा सारे प्रोडक्ट लगाने, क्या आप आ सकते हो, तो आप जलंधर से अहमदाबाद नहीं आओगे उसको केवल सर्विस देने के लिए, सर्विस तो देना लोकल बंदे को ही है। विकास जी मेरा इसमें सबमिशन ये है कि ये काम के लिए एसीपी होना जरूरी नहीं है, ये तो अगर मैं यूजर हूँ, मैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नहीं हूँ तो अभी मैं ये रेफर कर सकता हूँ और वो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। फिर एसीपी का टारगेट कैसे पूरा होगा उन एरिया में जिनमें वेंडर बनने की गुंजाइश नहीं है? तो एसीपी को हमने इसीलिए वेंडर टारगेट दिए ही नहीं है। अगर आप देखेंगे एसीपी के टर्म्स एंड कंडीशन में केवल यूपॉस के टारगेट है, वेंडर की हमने कोई टारगेट ही नहीं है उसको, क्योंकि हर एरिया का अलग पोटेंशियल होगा। किसी एरिया में सही है, अगर आपने देखा होगा हमने एसीपीस को टारगेट जो इतने भी दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपॉस पे दिए हैं, क्योंकि यूपॉस को हम बोल सकते हैं कि हाँ कोई भी बंदा कहीं भी भेज सकता है पूरे इंडिया में, तो पोटेंशियल बराबर है, बट वहीं पे हम वेंडर के लिए नहीं बोल सकते हैं। किसी एरिया में 10 वेंडर बनाने की भी कैपेसिटी नहीं होगी, किसी एरिया में 200 वेंडर बनाने की कैपेसिटी होगी। दैट लोकल लीडर हैज टू डिसाइड कि हाँ ये ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। लेट्स से एज अ स्टेट हेड आपको पता है यार इस एरिया में 100 वेंडर ही नहीं है, तो ये बंदा 180 वेंडर कहां से लाएगा? तो वहां पे आप सिंपल डिसीजन ले लोगे कि नहीं जी यहाँ पे 50 वेंडर से ऊपर नहीं हो सकते, एंड वी विल टेक दैट, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी इनकम भी उससे रुकेगी ना। अगर आप गलत डिसीजन दे रहे हो तो एज ए स्टेट हेड या एज ए एमसीपी एज ए सीपी आपकी भी इनकम रुक रही है। अगर आप देख रहे हो कि वहां पे पोटेंशियल है और ये एसीपी रिक्रूट नहीं कर रहा है, दैट मींस ये हमारी पोटेंशियल भी इनकम को हिट कर रहा है। तो ये डिसीजन इसीलिए हमने बोला ना, हमने इसीलिए वेंडर पे टारगेट अभी तक नहीं दिए। वेंडर हमने मोटा मोटी बोला है कि 180 टोटल वेंडर एक पिन कोड पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो किसी पिन कोड पे 180 की जगह 500 होंगे, किसी जगह 180 की जगह 80 होंगे, राइट? तो ऐसा होगा, इसीलिए हमने कहीं भी यूनिक टारगेट वेंडर को लेके नहीं दिए। कुछ सवाल है परी? और कोई प्रश्न किसी भी अंकल? मैं बताइए, एक तो जैसे अगर अपन ने 1000 रुपीज का वाउचर खरीदा जी, 1000 का भी, और आपकी आवाज मल्टीप्लाई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ आपको आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ अभी आवाज आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 1000 रुपए का वाउचर खरीदा जी, अब उस
के बाद 800 रुपए की शॉपिंग हुई या 900 रुपए का बिल बना या 700 रुपए का बिल बना जी, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उसका क्या होगा? अब अगर आपने डिनोमिनेशन 300 लिया है तो जो रेस्ट 100 बचा उसको आप नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसी वाउचर लिया है पूरे 1000 रुपए का, अब डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर, वो अलग अलग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे बुक माई शो आपको पार्ट में भी एक्सेप्ट करने देता है, बिग बाजार बोलता है जितने का एक वाउचर है वो पूरा एक्सेप्ट होना चाहिए, चाहे वो 100 रुपए का हो चाहे वो 1000 रुपए का हो। तो अगर आप 1000 रुपए का ही वाउचर आपके पास है डिनोमिनेशन में, तो आपको पूरा 1000 यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधा आधा करें, नहीं तो यूजर के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना, फ्रेंडली नहीं होगा। यूजर मैं गया बिग बाजार, कौन कह रहा है कि आप 1000 रुपए का ही दीजिए? नहीं, अगर उसमें सपोज करो 500 रुपए का लिया है या 1500, राउंड फिगर में कोई नहीं लेता ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए उनको 500 रुपए के चाहिए तो आप उनको 100 रुपए के वाउचर दीजिए। 100 रुपए के वाउचर वो खुद एज अ यूजर खरीदेगा? हाँ, 5 वाउचर दे दीजिए। अगर उनको कंफर्म नहीं है कि वो 500 रुपए करेंगे तो आप 100 रुपए के 5 दे दीजिए, ठीक है। और इनके किसी भी कंडीशन में जो वाउचर के वैल्यू कम रह गया तो वो यूजर के लिए वो वेस्ट जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने लेट से 100 रुपए का वाउचर लिया और वो 80 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं तो उनको वो बेनिफिट 20 रुपए उनके जेब से चले जाएंगे, फिर उनको या तो एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा या फिर वो भूलना पड़ेगा 20 रुपए अपने। सर जैसे मैंने किया था कि आपने जो 2500 के वाउचर मुझे दिए थे उसमें से मैंने 2000 के, मैंने एक्चुअली पेमेंट मेरा हुआ था 2250 रुपए का जी, तो मैंने 2000 के वाउचर दे दिए और 250 रुपए कैश दे दिया मैंने। एक्चुअली कोई भी करेगा, देखिए वो तो नॉर्मल सी बात है, जब हम लोग ऑफर्स लेने जाते हैं तो यही तो होता है ना कि भाई 3 खरीदोगे तो ये मिलेगा, 3 नहीं खरीदोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो जिसको और वो 20-25 रुपए के बारे में सोच रहा है, 20 रुपए का तो आप चक्कर ले सकते हो भाई अगर आप बिग बाजार में खड़े हो। नहीं वो तो बात ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे जब आएगी यूजर को तो फिर वो बताएगा। अभी जब अपन वाउचर खरीद रहे हैं, हेलो, वो कंट्री है जब पैसा अच्छी पैसा बचता है ना पेट्रोल में तो हम जाके लाइन लगा के पेट्रोल डलवाते हैं। नहीं नहीं विकास जी, चलिए वो तो अलग, अगर अगर बेनिफिट होगा और सच में आपने बेनिफिट समझाया है तो लोग जाएंगे और उसको आपके हिसाब से ही खरीदेंगे। और ये कोई बहुत बड़ा, मैंने बताया ना जैसे राजेश जी ने किया था, नहीं हर यूजर का अपना अलग वो होता है, एक फीडबैक आए, एक्चुअली जो फीडबैक आए ना उसके बेसिस पे कह रहे हैं। अब यूजर सोचे मैं हिलूं भी नहीं और मुझे सब कुछ मिल जाए तो उस यूजर को छोड़ दीजिए, 130 करोड़ की जनता है हम, पहले हम 5 करोड़ तक पहुंच जाए उसके बाद हम सोचेंगे लास्ट जो कुएं के बगल में बैठा उसका क्या करना है। हाँ ठीक है, चलिए वो कोई नहीं है, वो तो ठीक है। अब जैसे वाउचर अभी अपन खरीद रहे हैं तो अपने को पेमेंट गेटवे चार्ज देना पड़ रहा है जिसमें लिखा है कि यूपॉस से खरीदो तो आपको जिसके पास यूपॉस है उससे यूपॉस पे यूज करिए। नहीं अभी यूपॉस है ही नहीं, सपोज करो किसी यूजर के आसपास में यूपॉस है नहीं तो वो तो उसको तो कंपलसरी हो गया गेटवे पेमेंट करना। नहीं कंपलसरी तब भी नहीं है तो वो कंपनी का यूपॉस यूज कर सकते हैं, आपके हर ऐप में एक यूपॉस तो है ही है। नहीं तो गुजरात का डिटेल आ रहा है उसमें जी, वही मैं कह रहा हूँ वो कंपनी का यूपॉस है। और बहुत जल्दी अगर आप लोग सीपी हैं तो आप लोग अपने यूपॉस लीजिए ना, जब आपके सामने से डिमांड दिख रही है आपको तो आपको प्रोडक्ट लेने में फिर क्या दिक्कत है? नहीं नहीं वो डिमांड होती है, डिमांड नहीं है और मैं प्रोडक्ट क्यों लूं, जब आपको पता है आपका यूजर बाय करना जा रहा है वो 2.5% उसको अड़ा कर आया है और वो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। नहीं नहीं मैं खुद एज अ यूजर की बात करूँ, आज अगर मेरे सिस्टम में मुझे यूपॉस नहीं दिख रहा कहीं से तो मैं अगर बाइंग करूंगा वाउचर तो मैं पेमेंट गेटवे चार्ज नहीं देना पसंद करूंगा ना। अरे बाबा फिर वही बात, आप हमको एक फोन कर लीजिए मैं भेज दूंगा वाउचर। आप ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे एयरपोर्ट से जाना तो है बट मैं एयरपोर्ट तक नहीं जाऊंगा, आप मेरे घर पे प्लेन गिराओ। नहीं नहीं वो वाली पॉलिसी तो है। देखिए फिर वही बात है, घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं, अगर आप वो पूछने लगोगे तो फिर मेरे पास जवाब नहीं होगा। मेरे पास सिंपल है, अगर आपको 2.5% नहीं पे करना है और आप आज एमपी में बैठे हो और आपको दिख रहा है यार ये मेरा बिजनेस पोटेंशियल है तो आप में से कोई भी यूपॉस बाय कर सकता है और तुरंत अपना ट्रेड चालू कर सकता है। अगर तो यही है कि भाई ढाई, और फिर मैं बोलूंगा आपने कभी बुक माई शो से टिकट बुक कराया है? नहीं नहीं बहुत किया है, कई बार किया है। तो बुक माई शो पे जो आपकी 100 रुपए की टिकट होती है आपको कितने रुपए की मिलती है? हाँ उसमें वो चार्जेस लगाते हैं लेकिन वो कन्वीनियंस चार्ज अलग चीज हो गई, वो मूवी टिकट बुकिंग करने टाइम में मिलता है। अच्छा मतलब जो चीज 100 रुपए की आप 150 में वहाँ खरीदते हो वहाँ ओके, क्योंकि वहाँ पे वापस नहीं मिलना है, हम क्योंकि वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें रिवॉर्ड सिस्टम बना रहे हैं तो इसलिए हम गलत है, राइट?
नहीं विकास जी बात वो नहीं है, एक जो नॉर्मल सी बात है जो साइकी होती है यूजर की, अपन उसे 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए, मैं ये जानना चाहता हूँ 100 रुपए की टिकट में मुझे 50% एक्स्ट्रा, आपको यहाँ पे 2.5%, मैं चलिए एक बार यूजर की तरह मान लेता हूँ, आपको 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ गया पेमेंट गेटवे चार्ज, राइट, चलिए एक बार मान लिया मैंने, ठीक है, 2.5% के अगेंस्ट में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले तो इंस्टेंट कैशबैक जो मिलेगा उससे आपका ये 2.5% पहले कवर हो गया, आपको 100% के पॉइंट्स मिल गए। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज आप समझे नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा हेलो जी विकास जी, कैन वी स्टॉप द क्वेश्चंस, लेट अस नॉट गेट इट। अपन जो वेंडर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें, तो इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं, एक यूजर का, एक एसीपी का, और एक लोकेशन हेड ऑफ बिजनेस एसोसिएट। तो लोकेशन हेड ऑफ बिजनेस एसोसिएट रोल क्या है, मतलब ओके अगर किसी वेंडर को, वेंडर का क्वेश्चन आता है कि भाई लोकेशन हेड क्या है और बिजनेस एसोसिएट क्या है, तो हमें भी पता होना चाहिए ना क्या है ये। आप बिजनेस एसोसिएट और वो सब छोड़ दीजिए ना, वो तो कंपनी के चैनल्स हैं, जैसे एक पार्टनर चैनल है तो ये बिजनेस एसोसिएट एक डिफरेंट चैनल है, जैसे आप लोग का सीपी एसपी एक पार्टनर चैनल है, इसी तरह हमारा एक चैनल है जिसको मेंटर चैनल बोलते हैं, तो वो अभी हमने एक्टिव नहीं किया है, दिख रहा है उससे आप लोग का कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हैं इग्नोर करें उसको, ठीक है। वेंडर रजिस्ट्रेशन करने पे सीपी और एसीपी दोनों को अर्निंग हो रही है, सबको हो रही है, एसीपी सीपी एमसीपी सबको, ठीक है। अपने एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है, जैसे सीपी के लिए तो अपने रोल डिफाइंड, आपकी हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सीपी का तो अपना रोल जैसे अभी अपने को समझ में आएगा, अपना डिफाइन है कि अपने को अपॉइंट करने हैं जी। एसीपी के रोल में अपने को जो अभी तक समझ में आया वो ये है कि उसको एक तो पार्टनर करने अपॉइंट और वेंडर अपॉइंट करने हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, और उसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जैसे सीपी को तो है कि वो केवल 10 एसीपी कर सकता है, लेकिन एसीपी कितने भी पार्टनर अपॉइंट कर सकता है, कितने भी वेंडर अपॉइंट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पार्टनर का इसमें रोल क्या है, जैसे अब एसीपी ने एक पार्टनर बनाया तो पार्टनर सिर्फ यूपॉस सेल करेंगे, पार्टनर का रोल है सिर्फ यूपॉस सेल करना है जी, या यूजर यूजर बनाना है या यूजर भी नहीं बनाना, सिर्फ अपने लेवल पे वो करें। देखिए मैंने क्या बोला, प्रिंसिपली उनके पास एज अ यूजर जो ऑप्शन है वो तो है ही है, बट जैसे कहते हैं ना किसी का प्राइम रोल क्या है, जैसे मुख्यमंत्री है उसका प्राइम रोल है पूरा देश मैनेज करना, केवल एमपीज से बात करना, बट वो आते हैं उनकी बात करने, वो उनके केयर में नहीं है। हाँ सही बात है, तो वैसे ही है, आप सब बना सकते हैं एज अ यूजर, मगर आपका जो मेन केआरए है एज अ एसीपी, योर मेन केआरए इज ओनली टू, वन इज टू रिक्रूट लोकल वेंडर्स, वन इज टू अपॉइंट पार्टनर्स टू सेल यूपर्स, रेस्ट एज अ यूजर आपके पास सारी चीजें करने के लिए, आप अपना माई सर्किल भी कर सकते हैं, आप यूजर भी रिफर कर सकते हैं, आप वेंडर भी रिफर कर सकते हैं, हर चीज है आपके पास एज अ यूजर। तो पार्टनर का जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ यूपर्स बेचने पे मिलेगा जी, और एसीपी जो है उसका काम पार्टनर बनाना और अपना वेंडर करना है, एसीपी भी यूपोज नहीं बेच सकता, एसीपी बेच सकता है, एसीपी बेच सकता है और बिल्कुल बेच सकता है, उनको दोनों कमीशन मिल जाएंगे, पार्टनर और एसीपी दोनों लेवल के कमीशन उन्हीं को मिल जाएंगे। अच्छा सिंपल सी बात है कि वो अपना भी बना सकता है और दूसरे का भी बेच सकता है, ये तो सीपी भी बेच सकता है, यूपोज तो सीपी डायरेक्ट भी बेच सकता है, एमसीपी भी बेच सकता है, सबको ही बेच सकता है, वो पूरी हायरार्की का कमीशन पूरा आपको देखता था सिंपल। अब अगर कोई वेंडर, अगर वेंडर यूपोज बाय करता है जी, तो वो एज अ वेंडर अगर अपने सिस्टम में रजिस्टर्ड हुआ है तो वो भी किसी दूसरे को यूपोज बेच सकता है, जैसे सपोज करो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को कहेंगे यूपॉस जो बाय करता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में पार्टनर बन जाता है। हाँ। तो वो जब भी यूपॉस सेल करेगा तो उसको वो 5,000 रुपए 5% वो सब उनके लिए भी चालू हो गया, और एक एसीपी के अंडर में एक पार्टनर और ऐड हो गया। ठीक है, अब यूपॉस पे थोड़ा सा एक समझना था कि यूपॉस में अपन 54,000 प्लस जीएसटी लगभग 60,000 रुपए पे कर रहे हैं जी, ठीक है ना जी, और उसके बदले में उसको मूवी वाउचर मिल रहे हैं, करेक्ट है जी, वो तो एक इंक्लूड्स जीएसटी 54,000 इंक्लूड्स जीएसटी ना, हाँ 54,000 प्लस जीएसटी नॉट जीएसटी, हाँ तो जीएसटी मिला के लेट्स एक 60,000 के आसपास, एक यूपॉस के आसपास होता है जी, पता है, हाँ तो उसने उसने परचेज कर लिया, अब जब यूपॉस उसने परचेज कर लिया तो उसके बदले में उसे लेट्स मूवी वाउचर मिल गया, करेक्ट है, ठीक है, बोलिए बोलिए सुन रहा हूँ मैं।
अब शॉपिंग वाउचर जब यूपीएस वाला जब बेचेगा तो वो कैसे बेचेगा? मतलब मैंने लास्ट मीटिंग में भी पूछा था, लेकिन तब वो क्वेश्चन इतना क्लियर अपने एंड पे भी नहीं था, लेकिन अब क्लियर है पॉइंट कि शॉपिंग को वाउचर यूपीएस वाला कैसे सेल करेगा, और जीजी से मतलब ग्लोबल गार्नर से वो पेमेंट पहले लेके रहेगा या जब उसने वाउचर बेच दिया और जब वो वाउचर आया तब जाके वो उसको पेमेंट होगा? अभी आप पेमेंट प्रोसेस क्या होगा यूपीएस का जीजी और यूजर? दो मिनट रुकिए, आपको मेरा इस समय स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? फेसबुक फेसबुक दिख रहा है। अभी यूपीएस का स्क्रीन है आपके सामने? हाँ बिल्कुल आ गया। ये है आपका यूपीएस और लोग ठीक है। अब आप किसी को ये बेचना है ये क्या नाम है वाउचर, तो सबसे पहले तो उस यूजर को आपको यहाँ ऐड कर देना है। आपका यूजर आईडी बताइए मुझे, यूजर नेम। मेरा अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9952 9952 आपका अपना नंबर है ये पक्का? ये है ना दो तीन नंबरों की वजह से ना ये वाला नंबर कम से यूज रहता है अपना। अच्छा, बट ये हमारे साइट पे नहीं है। आपने या तो नंबर गलत बताया है या मैंने गलत लिखा है। 9952 हाँ 53983 ओके 53 ओके आपने 58 लिख लिया। अभी भी गलत लिखा है विकास जी, बताइए ना फिर से बोलिए। एक बार हटाइए, 53 एक सेकंड फिर से बोलिए, एक आदमी बोलिए केवल। 9952 53983 अभी सही है? एक ओटीपी आया होगा आपके पास। 9562 73 बताया विकास जी। 9562 73 यही आपका नाम है अमित डागा? हाँ जी हाँ जी। अब देखिए आप मेरे यूपॉज में यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट तरीके के इवेंट्स होंगे। अब आपके लिए अगर मुझे कुछ बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट से लेट से मुझे मिंत्रा से शर्ट ऑर्डर करनी है तो मुझे कोई भी पैसा ग्लोबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे सिंपल ये करना है कि मिंत्रा में क्लिक करना है और मैं मिंत्रा की वेबसाइट पे आ जाऊंगा। मैं जो भी ऑर्डर करूंगा ये आपके अपने आप आपके कैटलॉग में ऐड हो जाएगा। तो अब ये मिंत्रा की दुकान से मैं जो भी अब खरीदूंगा ये आपके में अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप वो नंबर अभी आपके हाथ में है तो आपको एक ईमेल भी आ चुका होगा कि आपने अगर मिंत्रा से कुछ खरीदा है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा। नहीं अभी ईमेल तो नहीं आया। अगर आपके हाथ में वो ईमेल वाला मोबाइल है तो मैं यहाँ से खरीद आ गया। नहीं मेल मेरे हाथ में ही है, मेल आया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से अब मैं कुछ भी खरीदूंगा इसके लिए मुझे यूपॉज में कोई भी पैसे रखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट्स में। अब दूसरा केस ले लेते हैं, लेट से बिग बाजार से मुझे आपको वाउचर खरीद के देना है तो मेरा यहाँ पे ये जो बैलेंस देख रहे हैं ना आप 8981 रुपए का ये बैलेंस मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। लेट से 8981 के बाद क्या बोला आपने? ये मेरा बैलेंस है, इतने अमाउंट के मैं वाउचर यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जितना बैलेंस आया कहाँ से? ये बैलेंस मुझे ग्लोबल गार्नर में पैसे जमा करने से मिला, मुझे वॉलेट मैंने करना पड़ेगा। मतलब अगर एज ए यूपॉस मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया
जी तो 54,000 जब मैंने पेमेंट किया जी, तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ बैलेंस ग्लोबल गार्नर दिखा है। 54 के अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ये ओवर एंड अबव है जब आप ट्रेड करेंगे। 54 में तो आपने केवल सॉफ्टवेयर खरीदा है, अभी 54 में आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया। अब मैंने आपको अगर 10,000 रुपए बैलेंस ऐड करने हैं तो मैं क्या कैसे लूंगा एज अ यूपॉस? सिंपल, आप अपने यहाँ पे जाएंगे, आप मुझे मनी लोड रिक्वेस्ट डालेंगे, तो बस आप यहाँ से मनी लोड रिक्वेस्ट जैसे ही डालेंगे। आपकी आवाज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, रुक रुक के आ रही है। एक्चुअली आप, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ है क्योंकि आपकी आवाज भी कम कांपने लगी है। नहीं नहीं नहीं, टचवुड अपना नेटवर्क ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो बस यहाँ से आप अपनी मनी लोड रिक्वेस्ट हमें देंगे और हमारी टीम यहाँ से उसको अप्रूव कर देगी। तो पेमेंट कैसे करेगा? ये मेरा डैशबोर्ड है यूपॉस का। हाँ, तो इस तरह से आपका भी डैशबोर्ड आपको दिखेगा कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने किए हैं, आपने मेगा ब्रांड से कितने किए हैं, फ्लाइट से कितने किए, रिचार्ज से कितने किए, इस तरह से पूरा एक मैप बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे अपना मनी लोड रिक्वेस्ट डालना है, तो सिंपल मैं यहाँ से ऐड मनी डालूंगा। अब मैंने जिस भी तरीके से ग्लोबल गार्नर में पैसे डाले हैं, NEFT किया, RTGS किया, MPS किया है, चेक से किया है, ऑनलाइन किया है, कैश में किया है, UPI से किया है, उसकी डिटेल मैं यहाँ पे भर दूंगा। और मैं ये कैश कैसे करेंगे, सॉरी बस मैं वही करके दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं IMPS डाल रहा हूँ और मैंने डाला कि भाई 10,000 रुपए का IMPS किया है मैंने और मेरी पेमेंट डेट है लेट से आज की 9 तारीख की, और मैं यहाँ पे IMPS का जो मेरे पास नंबर आया होगा टोकन, लेट से मैं XYZ डाल देता हूँ, अभी XYZ सबमिट करूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा, अब ये रिक्वेस्ट हमारे पास ग्लोबल गार्नर के हेड ऑफिस में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग में आ गई, जैसे ही ये अप्रूव होगी वैसे यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंप्लीट, और जैसे ही ये कंप्लीट हो गया आपके वहां पे बैलेंस आ जाएगा। रुकिए मैं एक ट्रांजेक्शन बल्कि करके ही दिखा देता हूँ। अभी आप लोग ने देखा था ना मेरा उधर बैलेंस कितना, 8,000 समथिंग था ना जी। बोले तो कुछ विकास जी, ये मनी लोड करते हैं और आप इसको कंफर्म करते हैं, ये कितना समय लेता है? डिपेंड करता है आपने किस मीडियम से पैसा डाला है। अगर आपने NEFT किया तो जब तक NEFT क्रेडिट नहीं होगा उतना टाइम लगेगा। IMPS सबसे फास्ट होता है क्योंकि इंस्टेंटली पैसा हमारे पास आ जाता है, इंस्टेंटली हम आधे घंटे में इसको कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर भी हो जाता है क्या? सॉरी, क्रेडिट कार्ड से भी ट्रांसफर हो जाता है क्या? जी, क्रेडिट कार्ड से भी ट्रांसफर हो जाता है। तो उसमें कोई पेमेंट क्या? सॉरी, पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं क्या? क्रेडिट कार्ड करण, मेरा एक वॉलेट रिक्वेस्ट है 10,000 रुपए का, जरा इसको अप्रूव करो। अच्छा, तुम उसमें गोदराई में हो? ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, अमित को बोलता हूँ। बिगा जी, इसमें भी कोई गेटवे चार्जेस हैं क्या? नहीं, बेस्ट पार्ट ये है कि यूपॉस में किसी भी प्रकार के गेटवे चार्जेस नहीं है। अगर केवल क्रेडिट कार्ड का से आप करेंगे तो है, बाकी आप IMPS करो, आप RTGS करो, आप बाकी सारे टूल्स में किसी में कोई पेमेंट गेटवे चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें हमें गेटवे चार्ज नहीं लगता है। UPI भी है इसमें? हाँ, UPI भी है इसमें। मतलब UPI ID इसमें दे रखी होगी आपने? जी, तो UPI से भी आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। सो दैट UPI ID की, हाँ मैं जरा सोलो जी बोलिए, वो अप्रूव हो जाएगा। तो इट इज हार्डली, मतलब ये सेकंड, ये देखिए अप्रूव हो गया। सर, यूपॉस से संबंधित? हाँ जी, सर राजू गर्ग बोल रहे हूँ ग्वालियर से। जी सर, यूपॉस से संबंधित मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, इसमें एक्टिव एजेंट बनाने पड़ते हैं? सॉरी, मैंने देखा तो राजू जी बोलिए, यूपॉस के लिए 18 एजेंट बनने पड़ते हैं? 18 एजेंट भरने पड़ते? नहीं नहीं,
वो बल्कि हमने आपको दिया है कि आप 18 लोगों को फ्री में यूपॉस दे सकते हैं, मतलब आप अपने अंडर में 18 एजेंट्स बना सकते हैं बेसिकली. ये हमने किसके लिए फीचर बनाया है, जो केबल ऑपरेटर्स हैं बेसिकली उनके लिए सबसे फायदेमंद फीचर है, क्योंकि केबल ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके पास लड़के होते हैं जो कलेक्शन करने जाते हैं, तो वो अपने जो एजेंट्स हैं, अपने जो ये जो इनका डिपॉजिट लेने जाते हैं, वो इनको अपना इंडिविजुअल यूपॉस दे सकते हैं, जिसके मास्टर यूपॉस आप हो गए और आप 18 लोगों को फ्री में यूपॉस दे सकते हैं. इट इज एज गुड एज रियल यूपॉस, बट उसका पूरा कंट्रोल यूपॉस के पास रहता है. अब मतलब यूजर को यहाँ पे अपन ने जैसे बिग बाजार का 1000 रुपए का वाउचर दे दिया, राइट. यूजर सबसे पहले एक चीज, ये पुरानी क्वेरी देख लीजिए, अभी मैंने 10,000 रुपए का वॉलेट रिक्वेस्ट डाला था, ये अप्रूव हो गया, अब मेरे पास 18,000 रुपए का बैलेंस आ गया. हाँ ठीक है. हाँ अब आप अपनी नेक्स्ट क्वेरी पूछिए. तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको आपने कहना चाहिए. हेलो, हाँ जी, हाँ गुलना जी. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए. हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं वेंडर बनी हूँ जी, और मैं नेक्स्ट वेंडर बना सकती हूँ, तो कौन सा वाला आईडी लगेगा, मेरा यूजर आईडी की वेंडर आईडी? यूजर, यूजर, वेंडर वेंडर रिकमेंड नहीं कर सकता है, सबको हमने यूजर आईडी एक दिया हुआ है. अगर आप हमारी लीडरशिप टीम में नहीं है तो रेस्ट जो भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ आप एज ए यूजर कर सकती हैं. और ये रिकमेंड कर सकती हैं हमें, और वहां के जो लोकल एसीपी होंगे वो उसको अप्रूव करेंगे. और विकास जी, एसीपी भी है तो अगर एसीपी है तो खुद ही कर सकती है ना, अगर अपने ही पिन कोड पे कर रही है. हाँ जी, एसीपी हूँ. हाँ तो आप खुद कर सकती है, फिर तो आप अपने पैनल से खुद ही कर सकती है ना, एज ए एसीपी जो आपका पिन कोड है, फिर आप अपना खुद ही कर सकती है. कौन सा आईडी, यूजर वाला आईडी या एसीपी वाला आईडी? एसीपी, एसीपी, एसीपी. विकास जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एक लिंक भेजा था जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था जी. उस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जब अपन वेंडर क्लिक करते हैं तो वो सब डिटेल आ जाएंगी जो हम खुद हैं, अगर एसीपी है या सीपी है, वो डिटेल शायद हमको वहाँ पे भरनी पड़ेंगी ना. वो आपको वो रजिस्ट्रेशन लिंक आया ना, उसी से आप कर सकते हैं टोटली ऑनलाइन. एक क्वेश्चन मेरा और है, क्या मेरा वेंडर अप्रूव हो गया है? अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया. आप अपने पैनल पे देख सकते हैं, अगर अप्रूव हो गया होगा तो वहाँ पे अप्रूव लिख के आ गया होगा. नहीं, मैंने अपना एक वेंडर रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें मैसेज आ गया, लेकिन स्क्रीन पे लिख के आया कि वो एरर दिखा दिया. सॉरी, स्क्रीन पे एरर आ गया कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि एसएमएस आ गया कि रजिस्ट्रेशन हो गया है. नहीं, दो चीजें हैं, अगर आपने मतलब एक होता है रजिस्ट्रेशन करना, एक होता है उसका अप्रूवल होना. आपको रजिस्ट्रेशन का आया होगा, अप्रूवल का नहीं आया होगा. अप्रूवल का मेरे पास भी नहीं आया. अमित, रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल तो, रजिस्ट्रेशन का मैसेज तो आ गया जी. अप्रूवल नहीं, नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का मैसेज, लेकिन जब आपकी वेबसाइट थी ग्लोबल गार्डनर की जी, उसके पेज को जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो उसने एरर दिखाया, बोले नॉट कंप्लीट, इस तरीके से कुछ आया उसमें. अब ऐसे स्पेसिफिक आपका कोई स्पेशल केस है तो आप एक बार अमित से बात कर लीजिएगा, अमित आपको गाइड कर देंगे. जनरली मेरे पास उसका सर, मैं अमित, आप हैं लाइन पे? मैं हूं लाइन. हां तो एक बार चेक कर लो ना इनका जो भी बता रहे हैं. हां जब तक हेलो कर रहा है तब तक आप अपनी दूसरी क्वेरी पूछ सकते हैं, अमित आपको बताएगा. हां सर. हां जी. हां सर, राजू गर्ग सर. हां जी बोलिए. सर मैं कह रहा था, मेरे एसीपी पिन कोड पर, मैं सर एसीपी हूं जी, मेरे एसीपी पिन कोड पर 2017 में दो वेंडर रिक्रूट बनाए गए थे जो सर अभी तक अप्रूव नहीं हुए हेड ऑफिस से जी. ऐसा क्यों सर? कुछ ना कुछ उनका डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा, या एसीपी ने अप्रूवल नहीं दिया होगा, या जो भी, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा सर. जैसे वहां का एसीपी मैं हूं इस समय, तो आप वो पूरे करा सकते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन जो भी उनका पेंडिंग है वो आप पूरा करा सकते हैं, वो आपके अंडर में आए सर. नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में एक ऑप्शन आता 10 रजिस्ट्रेशन का, 10, लेकिन आजकल 10 रजिस्ट्रेशन तो चलता नहीं है. 10 कंपलसरी नहीं है. नहीं, उस पे स्टार लगा हुआ है सर. नहीं, उसमें नहीं लगी पड़ती है. अच्छा, मेरे भी के 7-8 वेंडर है जो मेरे को बनाए हुए 8-10 दिन हो गए हैं सर जी, लेकिन वो भी अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं.
मैंने बोला ना जब भी आपकी इस तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप सिंपल अमित संधू जी को फोन करेंगे, वो 10 मिनट में आपको उसका बता देंगे क्यों अप्रूव नहीं हुआ। कुछ ना डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ रह गया होगा, वरना यहाँ पे आधे घंटे का काम है उसको अप्रूव करना। और जनरली पूछना चाह रहा था आपकी ऐप सर, ये पूछना चाहता था वेंडर बनाते समय एक ऑप्शन आता है आई वांट एक्सक्लूसिविटी, राइट, इसका क्या मतलब है सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये आपको बहुत ध्यान से अप्रूव करना है एज एन एसीपी, क्योंकि अगर आपने ये अप्रूव कर दिया, जैसे गुलनाज जी हमारे वहाँ अभी वेंडर बनी है, जहां तक मेरा ख्याल है ये आप वही है जो जिनका ब्यूटी पार्लर है। यस सर। तो अब मान लीजिए गुलनाज जी ने अपने आप को एक्सक्लूसिव वेंडर पे क्लिक करके अप्रूव कर दिया, अब क्या होगा इसमें कि अब 1 किलोमीटर रेडियस तक अब ग्लोबल गार्नर में जितना सीनियर अकाउंट हो वो अब अप्रूव नहीं कर सकता किसी दूसरे ब्यूटी पार्लर को उस 1 किलोमीटर रेडियस में। तो एसीपी को ये चीज बहुत सोच समझ के किसी को एक्सक्लूसिव बनाना है कि अगर उन्होंने एक्सक्लूसिव बनाया तो अब 1 किलोमीटर रेडियस तक सेम कैटेगरी में दूसरा वेंडर नहीं आ सकता, क्योंकि गुलनाज जी जहां पे अपना पिन रख के उसको पिन डाल देंगी तो 1 किलोमीटर रेडियस तक सिस्टम ही ब्लॉक कर देगा कि अब कोई दूसरा ब्यूटी पार्लर उस पिन कोड पे नहीं आ सकता, सॉरी उस 1 किलोमीटर रेडियस में नहीं आ सकता। तो अगर आप किसी को ये एक्सक्लूसिविटी दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि मतलब वो बंदा अपना 50% एटलीस्ट बिजनेस हमें देने को तैयार हो और वो पूरा हमारा 100% संभालने को तैयार हो। तो एक्सक्लूसिविटी वेंडर को हमने एक्सक्लूसिविटी दे दिया तो 1 किलोमीटर रेडियस तक हम सेम कैटेगरी का दूसरा वेंडर नहीं ला सकते। सर इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं क्या? टफ है, क्योंकि अगर वो कंप्लायंस फॉलो कर रहा है, अपना 50% बिजनेस हमें दे रहा है तो आप नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते, अगर नहीं दे रहा है तो हम हटा सकते हैं। बट वही है ना कि आपने लेट से उस समय उसने बोला 50,000 रुपए का मेरा टोटल बिजनेस है, वो करता 5 लाख का है और 25,000 रुपए का बिजनेस दे के उसने आपसे एक्सक्लूसिविटी ले लिया और वो 25,000 आप नहीं देगा, आपको क्या दिक्कत है? उसका कॉम्पिटिशन जीरो कर दिया ना उसने। तो ये सर, आपको बस ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपर उसका सब कुछ समझ लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिसको भी आप एक्सक्लूसिविटी दे वो सच में उस कैपेसिटी का होना चाहिए जो एक्सक्लूसिविटी देने लायक हो। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे गुलनाथ जी को मैंने ही वेंडर बनाया सर जी, और इनका ये पिन कोड है 474009 जो इनका खुद का है जी, और सर मैं ACPU 4047406 का, मतलब आप किसी और पिन कोड के हैं, ठीक है? हाँ जी तो मेरे को इनको वेंडर बनाने से क्या बेनिफिट होगा? अगर आपने अपना यूजर कोड से इनको रिफर किया तो 2.75% आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा जो भी कमीशन हम इनसे अर्न करेंगे। और ACP से किया है? ACP से कर नहीं सकते ना दूसरे पिन कोड का, उसका कोई फायदा नहीं। तो सर ACP से किया मैंने इनको, ACP और ये मेरे ACP वाले डैशबोर्ड तो दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए एक चीज समझिए, ACP से आप सिर्फ अपने पिन कोड का कर सकते हैं, ACP is pin to one pin code, ये ध्यान रखिए, सिंपल। आप डाल भी देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका यूजर कोड से अगर आप रिफर कर रहे हैं अपने पिन कोड के अलावा तो कृपया करके अपना केवल यूजर रेफरल ही यूज करिए। नहीं सर वो सही है आपकी बात, लेकिन ये मेरे ACP डैशबोर्ड पर दिख भी रहा है क्या? नहीं ऐसे ACP भी सर है ऑप्शंस में, ऐसे ACP भी रेफर कर सकते हैं, पार्लर है वो वहां दिखाई दे रहा है मेरे ACP डैशबोर्ड पर। तो ठीक है, हो सकता है इन लोगों ने अपडेट किया हो तो एज ACP रिफर किया होगा, बट ये कमीशन कितना मिलेगा भाई? 2.75%। नहीं सर हमको मालूम है, हम लोग रामायण देखते हैं, रामायण में हनुमान क्या होता है हमको मालूम है, हम अमित जी को समझ गए। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सर, मैं एक पिन कोड का होल्डर हूँ एज ACP, क्या मैं दूसरे पिन कोड पर अपना वेंडर अपॉइंट कर सकता हूँ क्या? वैसे टेक्निकली मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए हमें, अब ये कैसे अपडेट हुआ ये मुझे नहीं पता, बट ये मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा सिंपल लॉजिक है इसके पीछे कि मैं लेट से यहाँ पे अहमदाबाद में हूँ और मैं आपको जानता हूँ तिवारी जी, अब मैंने मान लीजिए आपको एज अ वेंडर MP में बना दिया, मैं आपको सर्विस देने तो वहां जाऊंगा नहीं, और अगर मैं वहां के ACP का अप्रूवल नहीं ले रहा हूँ इसके लिए और उस ACP के अंडर में मैंने ये वेंडर बना दिया और मान लो एक्सक्लूसिव बना दिया, वो नहीं चाहता था इनको एक्सक्लूसिव देना, तो कल को वो तो टेंशन में आ जाएगा ना कि आपने एक्सक्लूसिव भी दे दिया, इस वेंडर को मेरे सर पे भी बैठा दिया, मैं नहीं चाहता था, ये बहुत लड़ाकू बंदा है, मुझे इसके साथ काम नहीं करना था।
तो आई थिंक अमित एक बार इसको दोबारा चेक कर लो. मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने मना किया था इसके लिए. नहीं, अगर हो गया है तो भी नहीं, रिक्रूट नहीं प्रेफर कर सकते हैं. यूजर जैसे एक यूजर रेफर कर सकता है वैसे ही एक एसीपी भी रेफर कर सकता है. अप्रूवल अभी भी जो लोकल वहाँ पे एसीपी वही देगा. लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ ये है क्या उस एसीपी को 2.75% मिलेगा? मिलेगा सर. इसमें एक सवाल, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ. जैसे अभी आपने ये बोला कि दूसरे पिन कोड के एसीपी को ये अधिकार नहीं है कि वो एक्सक्लूसिव दे सके. तो सर अगर मैं दूसरे पिन कोड पर कोई वेंडर रेफर कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव वाला ऑप्शन डिसेबल होना चाहिए सर. ऐसा कुछ करें उसमें अप्लाई तो कर ही सकते हैं. हम अप्रूव करें ना करें ये तो हमारे ऊपर है. आप अप्लाई कर सकते हैं ना. मैं आपको अप्लाई, आपने आईएएस बनने के लिए अप्लाई किया. मैंने आपको बनाया नहीं. वो वाला क्वेश्चन करिए ना जो कल अपन फिल कर रहे थे उसमें ट्रेस का नहीं आ रहा था, इसका नहीं आ रहा था, वो भी एक बार पूछ लीजिए. हाँ वो मेरी बात हो चुकी है, हो गई मेरी बात. हाँ सर मैं एक क्वेश्चन मेरा ये और था सर. ये मैं पार्टनर बना रहा था तो पार्टनर बनाते समय उसमें पैन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह की कोई भी ऑप्शन नहीं आता है. फिर एक एडिट का ऑप्शन आता है जब उसकी डिटेल आ जाती है तो मैं उसको एडिट करके उनके पैन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालना चाह रहा था लेकिन वो केवल नाम में चेंज हो रहा था. जी. जो उस पार्टनर का नाम हमने दिखाया है नेम उसका केवल उसमें हम चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी एडिट नहीं हो रहा उसमें. ऐसा क्यों? पार्टनर में वो सर उसके यूजर प्रोफाइल में ही ऐड करते हैं अपना पैन नंबर. पैन नंबर यूजर प्रोफाइल में नहीं होता सर. यूजर प्रोफाइल में भी पैन नंबर का कोई ऑप्शन नहीं है. नहीं यूजर प्रोफाइल में है केवल एक्टिव नहीं है. अभी हम उसको वेरीफाई नहीं कर रहे. अभी आप वहां पे कुछ भी डालेंगे उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं. हां वही मेरा मतलब सर. इसको कराएं आप, इसको इसकी व्यवस्था करें सर. नहीं पैन एक्टिव करवाएं नहीं है ना. जब हम पेमेंट करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी तक ये कोरोना नहीं खत्म होता तब तक हमारा जो टेक्निकल है बेसिकली पैन का और आधार का एपीआई गवर्नमेंट देती है और उसके लिए वो एक ऑडिट करती है. हमारा इस साल का ऑडिट अभी पेंडिंग है, पिछले साल तक हमारे पास था. तो ये हर साल रिन्यूअल के लिए जाता है और हर साल हमें रिन्यू करवाना पड़ता है इसको. जी, जी. तो जब वो ऑडिट कर लेंगे तब हमारा रिन्यूअल हो जाएगा और रिन्यूअल जैसे ही होगा फिर आपको ये पैन और वेरिफिकेशन, ये वाला पैन नंबर डालेंगे तो हम वेरीफाई कर पाएंगे आपको. सर ये वेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है. जी. ये मल्टी स्टोर वेंडर क्या है सर, इसको थोड़ा समझा दीजिए प्लीज. सिंपल है. लेट्स से आपके यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टोर ओनर्स होंगे जो मल्टी स्टोर होंगे, जैसे उनकी एक फ्रेंचाइज. जैसे अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ, यहाँ पे ऑनेस्ट रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है बट उसके कम से कम 200 फ्रेंचाइज हैं पूरे अहमदाबाद भर में. तो वो एक स्टोर बन सकता है मेन स्टोर और 200 उसके मल्टी स्टोर हो सकते हैं. वो पूरा मैनेजमेंट सिर्फ एक स्टोर बन सकता है. तो वो मल्टी स्टोर का भी हमने सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दिया हुआ है एज अ वेंडर. अच्छा सर एक चीज बता दीजिए, मैंने किसी को मतलब सिंगल वेंडर बनाया जी, हालांकि उसके और बाद में उसके मल्टी स्टोर हो गए जी, या उस समय थे शुरुआत में उसने कहा केवल आप सिंगल वेंडर बनाए तो हम उसको एडिट कर सकते हैं मल्टी स्टोर में. जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा सर इसमें सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी मैम. हेलो. हाँ कविता जी बताइए. कविता जी बताइए. जी 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 सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जो हम अभी तक अपना कैशबैक की हम बात करते हैं कि कैशबैक इसमें अपना रिटर्न मिलता है तो अभी तक कितने मतलब जो अपने इसके खुद के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कितना वेंडर मिल चुका, कितने लोगों को कैशबैक मिल चुका है. सॉरी देखिए अगर आप जीजी कॉइन्स की बात करेंगे तो हम 150 करोड़ करीब दे चुके हैं और जीजी मनी की बात करेंगे करीब 3 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम दे चुके हैं. सर सभी को मिला है कैशबैक अभी तक? सभी को मतलब जितने लोग एलिजिबल हुए हैं जिन्होंने जी, 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 दो कैशबैक किया है उनके हिसाब से उनको मिला है. जी, जी, जी. लेट से फीफो चूज किया है तो फीफो के हिसाब से जब वो आना है तब आएगा. किसी ने इंस्टेंट कैशबैक चूज किया है उसको इंस्टेंटली मिल गया. किसी ने आरपीपी चूज किया है तो आरपीपी के हिसाब से मिल गया. अब कुछ लोगों ने ऐसे माय सर्किल चूज किया है तो माय सर्किल में मिल रहा है डेली के हिसाब से. सर अगर हम उसको देखना चाहें कि कितने लोगों को मिला है तो सर वो हम कहां देख सकते हैं कि कौन कौन लोग जो कैशबैक का लाभ ले चुके हैं? जी सर अपने ऐप में जाएं. जी बैंक में ट्रांसफर. हेलो. जी जी हाँ जी हाँ जी सर एक मिनट होल्ड करिएगा. अभी आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है मोबाइल का? नहीं अभी नहीं आया. आ गया. हाँ जी हाँ जी. अब आप अपनी ऐप में जाएंगे ग्लोबल गार्नर के ऐप में. जी. और यहाँ पे साइड बार में अगर आप देखेंगे स्टैट्स लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन. हाँ जी सर.
बस फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये लाइव ट्रैकर हम देते हैं अपने यूजर्स को कि ग्लोबल गार्नर में हो क्या रहा है। तो जैसे आप टोटल रजिस्टर यूजर्स दे सकते हैं, कितनी यूपीवी पीफो में जनरेट हुई है, ये वो है, ठीक है, और हमने टोटल कितना कैशबैक अभी दे चुके हैं इन यूपीवी को, वो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आरपीपी जनरेट हुआ है, कितना एससीबी आरपीपी हुआ है, कितना टोटल कैशबैक चला जा चुका है आरपीपी में, कितना इंस्टेंट कैशबैक में जा चुका है, कितना एफपीवी में जा चुका है, मतलब जो हमारा फ्यूल परचेज है, प्लस आप ये मूवी वाउचर प्लस ये मिला के कितना कैशबैक जा चुका है, फ्यूल परचेज वैल्यू में कितना कैशबैक जा चुका है, तो आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। और यही दिया है बगल में माई स्टैट्स, तो आपका भी स्टैट्स यहीं पे दिया है कि आपने टोटल कितने की शॉपिंग करी है, कितना कैशबैक आया है, कितना सोशल से आपको अर्निंग आई है, कितने से कहां से क्या अर्निंग आई है, ये पूरा स्टैट यहीं पे दिया हुआ है आपके। तो ग्लोबल गार्नर और आपका दोनों का ही स्टैट एक जगह दिया है, लाइव एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है हमने। हाँ जी सर, बोलिए कविता जी। सर ये वेंडर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं। कविता जी बोलिए। पूछना चाह रहा था, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, कि यदि कोई यूजर को वेंडर रेफर करता है जी, तो उसको भी 2.75% मिलेगा जी। विकास सर एक रूल फॉलो कर दीजिए जी, कि जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो स्क्रीन पर देखने चाहिए। राजू तब से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्क्रीन पर दिखता नहीं है मुझे। सर इसलिए नहीं दिख रहा हूँ कि विकास सर मेरा चेहरा नहीं पहचान ले। और देखिए कविता जी दो बार क्वेश्चन पूछ रही है, राजू जो है वो अदृश्य होके जो है रोक रहा है। कविता जी पूछिए। सर मेरे पास एक कॉल आई थी कि वो अहमदाबाद से थी, जब हम सर फर्स्ट टाइम मीटिंग किया था, हमने ग्रुप मीटिंग की थी, तो उस समय वो ग्रुप मीटिंग का डिस्कशन हुआ और मुझे लगा कि शायद ट्विटर का भी हम माध्यम से इसकी फेलोशिप बढ़ा सकते हैं और लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, तो सर वो ट्वीट कर दिया कि आप ग्लोबल गार्डनर को ज्वाइन करिए और अच्छा है कि पोर्टफोलियो है। लेकिन सर जब वहां से एक कॉल आई थी तो उनमें कॉल में ये बोला गया कि आप इसको कितने समय से जानती हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं, और ये जो है हमारे पार्टनर थे लेकिन वो किसी कारणवश डायरेक्टर हम भी थे इस कंपनी में, लेकिन ऐसे ऐसे करके ये यही करते हैं, किसी को कैशबैक नहीं मिला अभी तक और यही सब रहता है, तो आप खामखा इतना मेहनत करेंगे, अपने रिलेशन खराब करेंगे और उसके बाद में आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल, इनपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सर उस दिन से मुझे एक डाउट था, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि आज मैंने सिंपल करना चाहिए था, मेरा नंबर नोट कर लीजिए अभी, उनको आप कॉल पे लीजिए और अभी हम लोग बात करते हैं सबके सामने। सर मेरे पास अभी नंबर तो है लेकिन उन्होंने कहा था मेरा नाम नहीं बोलना, तो मैं बताइए ये तो उल्टी बात हो जाती है, पुलिस बोलती है मेरा नाम नहीं बताओ और चोर बोलता है मैं बात करने को तैयार हूँ सबके सामने। जी सर, तो सर मैंने थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम हमारी अभी सर उस मीटिंग के बाद से मुझे ऐसा लगा कहीं हम लोग कोई गलत उसमें तो नहीं, क्योंकि यहाँ सर इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं मेरे सर बहुत मोस्ट ऑफ सीनियर्स लोग रेस्पेक्टेड पर्सन है, इस वजह सर मैंने इसको ज्वाइन किया और मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया, जो कि हम लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं पढ़े। पता अभी जो लोग आप जिनको जानती हैं वो कितने बड़े हैं कितने नहीं बड़े हैं, बट मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी सर, ठीक है, 180 साल पुरानी कंपनी है और उन्होंने 8 महीने हम पे इन्वेस्ट करने के बाद, टाइम इन्वेस्ट करने के बाद अपना नाम हमें दिया है। जी जी जी, किस सेंस में दिया है नाम? हाँ, नाम किस सेंस में दिया है? वो हमारे शेयर होल्डर है, आप किसी भी सीए को, शेयर होल्डर तो कोई भी किसी कंपनी का हो सकता है, उसमें उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना आती है। मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता हूँ अगर आप शेयर बेचेंगे तो, बट आप मेरी कंपनी के शेयर लेंगे क्यों अगर आपको मेरी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है या आपने हमारी कंपनी को कुछ भी नहीं जानते? हम नहीं नहीं, इंडिया में कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अगर मुझे लग रहा है कि पैसे फिर भी बात है, एक चोर कंपनी का मैं कोई शेयर नहीं लेगा ना। नहीं नहीं, ये तो अभी देखिए सुनिए, अभी वो चोर कंपनी खुद उसके लिए वो क्या करेगी ये उससे उसको मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि वो इन्वेस्टर है, वो चोर कंपनी 100 रुपए कमाएगी तो मैं 10 रुपए का शेयर खरीद रहा हूँ उसका, और उसकी वैल्यूएशन अगर बढ़ेगी तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। और वो आपका एड पार्टनर है, आपने ये बोला था, वो आपका एडवर्टाइजमेंट पार्टनर है कुछ ऐसा आपने मुझे बोला था? नहीं, एडवर्टाइजमेंट पार्टनर नहीं है, वो शेयर होल्डर है कंपनी में सबसे पहली चीज, और दूसरा जब भी ये सब कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं किसी कंपनी में तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, वो अपनी वेबसाइट पे भी डालती हैं कि दे आर एसोसिएटेड विद ग्लोबल गार्नर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चाहो तो मैं भी अभी दिखा सकता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर दिखा दीजिए सर, मैटर खत्म हो सर। एक सेकंड होल्ड करिए,
कविता जी ध्यान से देखो सर, देख रही हूँ। हाँ, उसका फोटो लेके भेज देना ट्वीट वाले को। अब देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, राइट? देखिएगा ध्यान से, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये दिख रहा है आप लोग को अभी? यस सॉरी, दिख रहा है सर। ओके, तो सिंपल आप इनके मेन्यू में जाएंगे, पोर्टफोलियो कंपनीज में जाएंगे और यहाँ पे केवल आप ग्लोबल गार्नर क्लिक कीजिए। वैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, आपकी जानकारी के लिए दिखा दूं, और कोई भी छोटा मोटा नाम नहीं है। आज इनके पास 1400 कंपनी में इन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? अपना नाम वैसे तीसरे पेज पे है, मुझे याद है, तो मैं सीधे वहीं ले जाता हूँ आपको। ये रहा सर, वो रहा, अब तो पहचान जाते हैं सर हम। साइंड ऑन 2019, करेक्ट। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट बोल रही है, और ये किसी भी हायरिंग कंपनी का नाम अपनी वेबसाइट पे नहीं लिखना चाहेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। और बाकी अगर इतने सॉरी ये पार्टनर कैसे हुए? पार्टनर नहीं साहब, पार्टनर से बड़ी चीज हुए, शेयर होल्डर है हमारे। किसी कंपनी में टाटा जो पैसा लगाता है, आप उनका नाम यूज कर रहे हैं, शेयर होल्डर तो कोई भी होता है, मतलब वो शेयर आपका खरीदना अलग बात है, या तो आप क्या मैनेजिंग डायरेक्टर में वो है, लिस्टेड कंपनी अगर होती है, समझिए पहले मेरी बात समझिए, लिस्टेड कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है। या एक मिनट विकास जी, मैं आपसे एक सेकंड में, मेरा प्रश्न आप सुन लो पहले जी। भाई आपने कंपनी बनाई और मैं एक न्यूज़पेपर हूँ, मैं एक मार्केटिंग, एक एडवर्टाइजमेंट, एक नेटवर्क है मेरे पास, उस कंपनी में आपको अपने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है पूरे देश भर में, ठीक है? ठीक, अब मैंने कहा मैं आपसे उतना पैसा ना लेके, क्योंकि आपके पास भी देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है? स्टार्टिंग में कोई भी नई कंपनी होती है तो मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक ये कंपनी इस तरह का ये ऐसा करने वाली है, और मैं आपसे है ना, मैं उतने परसेंट का आपसे शेयर ले लेता हूँ सिर्फ। अब आपने जो लाइन बोली बस उसी को वापस रिपीट करिए, ये जो सेंटेंस है उससे जस्ट पहले जो आपने बोला। हाँ, आपने क्या देखा उस कंपनी में? हाँ, आपने उस कंपनी में क्या देखा? आपने अपना, लेट से चलिए, आपने मुझे फ्री में इन्वेंटरी दे दी अपनी 50 करोड़ की। मैं आपको बताता हूं जैसे क्या होता है, आज ये पिछले 10 सालों में ऐसा ही चल रहा है सिस्टम कि कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, डिजाइनर, उसने किसी बड़े प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, उसकी फीस के बदले में उसने उससे वो शेयर्स ले लिए कि भैया तुम फीस मुझे बाद में दे देना वो शेयर्स, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट में पार्टनर नहीं हुआ। इन्वेस्टर होना अलग बात हो गई, पार्टनर होना अलग बात हो गई। एक सेकंड, अगर उसको पता है ये बिल्डर गड़बड़ है, इसकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से बनाई है, तो क्या वो वहां पे इन्वेंटरी लेगा? नहीं नहीं, हम तो, मैं तो, अच्छा अपन इस डिबेट में ना पढ़ते हुए अपन इस बात को कहते हैं कि आपका कोई भी, उनका आपका कोई भी म्यूचुअल, आपका कोई एग्रीमेंट हो, कोई उनके साथ में आपका MOU हो। मैंने आपको सीधे-सीधे वेबसाइट दिखा दी साहब। अरे सर, वो तो ऐसे, वो तो 5660 कंपनी में उनने लगा रखा है पैसा, वो तो सबके लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, उसका उनने स्टेक ले लेते हैं उस कंपनी से। सर आप ऐसे करते क्या है? सर मैं तो अब क्या बताऊं, कुछ नहीं करता हूं सर। अब सर देखिए, आप सारे सवालों के जवाब मुझसे मांग रहे हो, मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो एक ही चीज का, भाई मैं आपको सुनने बैठा हूँ ना, आप मुझे सुनने तो बैठे नहीं हो। हम आपको एज ए लीडर देख रहे हैं, तो हम आपसे ही क्वेश्चन करेंगे। हम लोग तो पूछ रहा हूँ सर, अभी आप क्या करते हैं? मेरा सिंपल सवाल आपसे ये, तो मैं शायद आपको बेटर वे में समझा पाऊँ। मैं बिजनेस मैन हूँ डियर। किस चीज का बिजनेस है आपका? मेरा एजुकेशन सेंटर है, रियल स्टेट है, अर्बन ब्यूटिफिकेशन का काम है, और छोटे छोटे से भी काम है, कुछ इन्वेस्टर भी हूँ मैं भी ऐसे, तो इस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जो आपने अभी अपना पूरा पोर्टफोलियो बताया है, तो आपका जो भी अग्रीमेंट होता है वो सबको दिखाते हैं आप? नहीं, सबको नहीं दिखाते, लेकिन अगर मैं किसी, कोई अगर मुझे मांगता है मुझसे, मैं किसी उसको, मैंने अपने अपने उसके ऊपर फ्रंट में ऑफिस में लगा के, अगर मुझसे कोई मांगेगा, दिखा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। अगर मुझसे कोई मांगेगा तो मुझे दिखाने में कोई आपत्ति भी नहीं है। एग्जैक्टली, तो मुझे भी आपत्ति नहीं है। आप हमारे वहाँ हेड ऑफिस में आएंगे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए।
सेकंड थिंग विकास जी, सेकंड थिंग विकास जी, ये बिल्कुल भी, ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव कि अगर मैं आपसे ये चीज मांग रहा हूँ तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, है ना? अदरवाइज अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं होता तो आपसे मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन अभी आपके जवाब में ऐसा लग रहा है जैसे रिएक्शन में आप जवाब बोल रहे हो। नहीं, मैं देखिए सिंपल है सर, एक क्या होता है बिजनेस को बिजनेस की तरह अगर आप देखेंगे, क्योंकि आज मैं फिर भी बोलूंगा, चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया को थोड़ी देर हटा दीजिए, विकास जी एक तो मैं 1992 से बिजनेस कर रहा हूँ, 1992 से छोटा सा करता हूँ, बहुत छोटा मोटा काम है, ठीक है। एज में भी मुझे ऐसा देख के लग रहा है आपसे दो चार साल तो बड़ा हूँ मैं, ठीक है, उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि सारा अनुभव मेरे पास होगा, है ना? कम उम्र में भी लोग बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है, ये इसमें अपन एग्री करते हैं जी। अभी मैं आपसे देखो, मैं आपको समझाने में अपना क्वेश्चन भूल गया, दोबारा बात करता हूँ, रिकॉल कर। अनुपम जी आप कुछ अपना सवाल पूछ लीजिए। विकास जी, विकास जी, अनुपम जी, सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है जिससे हम हमारे खाते में इंस्टेंट कैशबैक का पैसा देख सके? माय सर्कल से इजीएस्ट कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि हमने सारे अपने कैशबैक को तोला है, लोगों को समझने में समझाने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे फीफो है, अब किसी को ये समझ ही नहीं आता है ये कैशबैक कब आएगा। लोग जैसे हमारे फेसबुक पे अक्सर लिखते हैं ये तो हमारे परपोतों को मिलेगा, ये हमारे मरने के बाद हमारे दादा को मिलेगा, व्हाटएवर। तो मैं अच्छी चीज हमेशा ये बोलता हूँ, चलो सबसे पहली चीज तो वो ये मान रहे हैं ये मिलेगा, आशक नहीं होता था, चलो 20 साल बाद मिलेगा। तो आज आपके पास कौन सी ऐसी विधि है जिससे ये 20 साल बाद आज जो खर्चे कर रहे हो आप मिल सकता है? तो इसलिए हम वो आप कैशबैक समझाने में नहीं जाना चाहते हैं। माय सर्किल करिए, हर यूपीवी के साथ आपको तुरंत पैसा मिलता है, तो जिसमें आप भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। हाँ जी, नहीं तो सर, खुद की परचेजिंग पर भी तो जो इंस्टेंट कैशबैक है, इंस्टेंट कैशबैक को आप तुरंत यूज कर सकते हैं। तो वो कितने दिन बाद आएगा आपके? T+4, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उससे 4 दिन ऐड कर लीजिए। और फ्लाइट में ट्रांजेक्शन फ्लाइट टिकट खरीदने से नहीं होगा, फ्लाइट लेने से होगा। ट्रांजेक्शन सॉरी एंड ऑफ प्रोसेस है वो आप काउंट करेंगे। एग्जैक्टली, जैसे आप अमेजोन देखोगे तो अमेजोन में 90 दिन का प्रोसेस है। ओके, वही मेरा देखा, अमेजोन में 90 डेज का है। अरे तो हर वेंडर का अलग अलग, जैसे बिग बाजार शॉपर स्टॉप का आपने किसी को वाउचर बेचा वो तुरंत हो गया, उसका टी आज है, आज से 4 दिन में कैशबैक आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? तो हर ब्रांड का टी अलग अलग है। हेलो, हाँ जी सर, ये कह रहा था जैसे अभी आपने बताया कि बिग बाजार से यदि हमने परचेज किया तो उसका कैशबैक आ जाएगा। सर 30 तारीख को मैंने इसी प्रकार से मीटिंग अटेंड करी थी जी। आपने मेरे को 100 रुपए का वाउचर गिफ्ट किया था जी। सर ले उसका कैशबैक अभी तक नहीं आया सर। आपने कौन सा कैशबैक चूज कर रखा है मोबाइल में? ऐप में देखो राजू भैया, बाय डिफॉल्ट से वो पड़ा होगा। यस, मैं वही बताने जा रहा हूँ जी। हाँ बताइए सर, प्लीज बताइए, आपने ऐप में कौन सा कैशबैक चूज कर रखा है? सर मैं देखता हूँ, खोलना पड़ेगी मेरे को। अगर आपने कुछ भी कैशबैक नहीं किया है तो आपने आपके में बाय डिफॉल्ट फीफो पड़ा हुआ है। तो फीफो का प्रोसेस क्या है? नहीं वहाँ वो चीज मैंने देखा नहीं। एग्जैक्टली, तो जो आपने बोला उसका आंसर भी आपके पास है कि आपको पहले पता ही नहीं आपने कैशबैक चूज कौन सा किया है। अगर कैशबैक चूज किया होता तो T+4 में वो आ गया होता। सर आप लोग बाय डिफॉल्ट उसको इंस्टेंट कैशबैक कर दो ना सर। नहीं कर सकते, देखिए क्या होता है, हर किसी की चॉइस अलग अलग है। लोग बोलते हैं इंस्टेंट कैशबैक चाहिए तो हम पेटीएम में जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? हमारे वहाँ जनरली फीफो के लिए, आरपीपी के लिए और इसके लिए आते हैं, क्या नाम है अपना, माय सर्किल के लिए। अच्छा सर एक चीज पूछना चाह रहा था मैं जी, कि जैसे मेरे अभी मेरे अकाउंट में लगभग 3000 जीजी कॉइंस हैं जी, और अभी मैं कोई परचेजिंग करता हूँ तो ये कॉइंस मैं किस तरह से यूज कर पाऊंगा सर? वहां मेरे कोई ऑप्शन देखा नहीं कि मैं 95% पेमेंट करूँ और 5% के कॉइंस दे दूं। फिर से देखिए स्क्रीन पे अपनी जी, 5%। ओके, मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है सर। आप इस तरह से अपना जाएंगे, लेट से आपने आपको मेगा ब्रांड्स में आप सबसे पहले फिल्टर मान लीजिए तो आपको सारे के सारे वही ब्रांड्स दिखेंगे जिनमें कॉइन अप्लीकेबल है, ठीक है? तो फिल्टर मान लीजिए यहाँ पे जीजी कॉइन अप्लीकेबल, अप्लाई कर दीजिए। ये दिखा सबको,
अब ये वो सारे ब्रांड्स हैं जिनमें आपके जीजी कॉइन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लेट से अगर मुझे एरो शर्ट बाय करना है और लेट से मुझे एरो का, लेट से मुझे 10,000 रुपए का वाउचर खरीदना है, 5,000 रुपए के दो खरीद लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं एड टू कार्ट करूंगा, अब ये मेरे कार्ट में चला गया, अब यहां पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं कितने कॉइन यूज कर सकता हूं, आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है सर। ये अब बस मुझे इसमें डाल देना है 500 रुपए, 10%। तो अब ये 500 रुपए मेरे मेरे कार्ट में से लेस हो जाएंगे, 9,500 हो गया, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी मैडम। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैडम, अगर अगर आप नाम बताइए उस अहमदाबाद वाले बंदे का तो मैं जरा बात करना चाहूंगा। ये दूसरी मैडम है, अभी एंटरटेनमेंट हो जाएगा सर। ये दूसरी मैडम है सर। एक और नाम दिए भी आपको। ये गुलनाज जी, ये गुलनाज जी है, गुलनाज ब्यूटी पार्लर वाली सर, ब्यूटी पार्लर। जी मैम बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं यूजर भी हूँ और एसीपी भी हूँ, तो मैं ज्यादा क्या बनाऊँ, एसीपी ज्यादा बनाऊँ या यूजर, किसमें ज्यादा बेनिफिट होगा ये बताइएगा। सॉरी बेंडर, बेंडर बेंडर बना, बेंडर भी बन चुकी हूँ। जो आप सवाल पूछ रही हैं दो डिफरेंट सवाल है। एज अ यूजर तो आपको ऑफकोर्स ही बात है जो फायदा मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। एज अ एसीपी आपके एरिया में जितने ज्यादा यूजर होंगे उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी और वो क्या होगी, आपको एक स्टेबल इनकम मिल जाएगी। लेट से आपने नेक्स्ट 6 महीने फोकस करके केवल यूजर और वेंडर, यूजर और वेंडर, यूजर और वेंडर बनाए, 6 महीने बाद आपका खुद का एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया। जैसे आज फेसबुक है, गूगल है, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और वो पैसा बना रहे हैं। तो वैसे ही एसीपी के सामने होगा कि वो मेहनत एक बार करेगा, उसने अपना सिस्टम खड़ा कर लिया, वेंडर को प्रॉपरली समझाया। अब देखिए, हाँ एक अच्छी चीज और मैं बोलूंगा, एक चीज ध्यान रखिएगा एज ए एसीपी, वेंडर को कभी ये ट्रेनिंग मत दीजिएगा कि यूजर से एक्स्ट्रा पैसा लेके आप बिल भर देना ग्लोबल गार्डनर का, क्योंकि यहीं पे पिछली बार भी हमारे सारे लोगों ने ये गलती किया। उन्होंने क्या बोला यूजर को, तुमको तो कैशबैक आ जाएगा, तुम हमको ज्यादा दे दो, 2.5 लाख रुपए की टीवी 3,75,000 रुपए की बेची गई, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो कैशबैक आ जाएगा। तो अब ये यूजर क्या करेगा इनका? सर वो थोड़ा सा रिपीट, सॉरी सर वो रिपीट करिए, रिपीट करिएगा, आपकी वॉइस स्टेबल हो गई थी। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ एज अ एसीपी एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी वेंडर को ये एजुकेट मत करिएगा ये जो कमीशन है ये आप अपने यूजर से एक्स्ट्रा लेके हमें भर देना, क्योंकि ये बिग बाजार नहीं कर रहा, ये शॉपर स्टॉप नहीं कर रहा, हमारे वहां लोकल वेंडर केवल ये करते हैं, क्योंकि ग्लोबल गार्नर का बिल चाहिए, अच्छा तो 5% एक्स्ट्रा दीजिए, ये गलत है। उनको हमें केवल ये समझाना है, भैया तुम्हारा ये एडिशनल बिजनेस है जो ग्लोबल गार्नर की वजह से आया है, अगर आप हमें कमीशन दे सकते हैं तो आप हमारे वेंडर बनिए, अगर कमीशन नहीं दे सकते हैं तो कृपया हमारे वेंडर मत बनिए, मगर अगर आप किसी से एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तो कल को वो यूजर आपके पास पलट के आएगा कि भाई मेरा कैशबैक कहाँ है, कितना है, क्यों है, वो 10 सवाल पूछेगा आपसे, खासतौर से फीफो में, क्योंकि फीफो उनको नहीं समझ में आता है कब तक आएगा। लोगों ने बोल दिया 6 महीने में आ जाएगा, 6 महीने बाद वो आदमी आपके पास ही आने वाला है, ग्लोबल कर रहे हैं तो सब लिखा हुआ है, और जो ये इस तरह के फोन करते हैं ना ये सब वही लोग हैं। अभी मैंने 3 दिन पहले किसी को मेल किया, उसने हमारी वेबसाइट पे लिखा कि मुझे ग्लोबल गार्नर की वजह से 1,35,000 रुपए का लॉस हो गया, ये फेक ऐप है। मैंने उनको वापस मेल लिखा है, 3 दिन हो गए मुझे, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है। मैंने कहा आपने ग्लोबल गार्नर में 1,35,000 रुपए किस तरह से लॉस किया एज अ यूजर? कुछ ट्रोलर्स हैं जिनका एक अपना स्कीम है, चला रहे हैं वो लोग, चलाने दीजिए, बट मैं सिंपल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई इस तरह का फोन इत्यादि आपको करे उसको बोलिए तुरंत रुकिए, मुझे बचाइए आप इस आदमी से, मैं इसको कनेक्ट करती हूँ और आप इसका भांडा मेरे सामने फोड़ दीजिए। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। तो अपने पानी का पानी हो जाएगा, जो पुलिस है वो छुपेगा नहीं, हेलो, जो गलत करेगा वो छुपता है ना, तो छुपने की जरूरत मुझे है ना कि उनको, बल्कि वो फोन करके बोल रहे मेरा नाम मत बताइएगा। तो आपको समझदार आदमी को इशारा काफी है कि भाई मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, आप इनसे आदमी से बात करो, विकास रावत का नंबर तो दुनिया को पता है, वो तो डेली फेसबुक भी कर रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहा है, जूम मीटिंग भी करता है, आप हमारी जूम मीटिंग में आ जाओ, उसका पूरा भांडा फोड़ दो वहां पे, लेट्स सी।
कि क्या है, हमने क्या गलत किया है, राइट? सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ जी। आज मैंने जीजी के गेटवे से जॉकी, ओयो, एडिडास, नायका, इन चार साइटों पर मैंने क्लिक किया सर, तो वहां पर सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली द लिंक दैट यू हैव यूज्ड इज नॉट वैलिड। मैंने अभी आपके सामने मिंत्रा किया। नहीं सर, मिंत्रा हो रहा है। एक मिनट मैं चेक करता हूं। हाँ, नाइके देख लीजिए ना, नाइके एडिडास देख लीजिए, जॉकी देख लीजिए, जॉकी है, ओको, ओयो है, एडिडास है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले आपने कौन सा बोला? एडिडास। हाँ, ये कुछ लिंक ब्रेक हुआ है, ठीक है, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। जी, अनिल जैन बोल रहा हूँ ग्वालियर। हाँ अनिल जी बोलिए, बोलिए अनिल जी। विकास जी, मैं ये चाह रहा था कि जैसे बैंडर बनाते हैं तो किस बैंडर से कितना कमीशन मिलेगा, किस आइटम पे, ये कुछ डिटेल अपने को पता है क्या? जी, वो आपको जब आप वेंडर रजिस्टर कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है कि कितना इस वेंडर से कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगा कितना लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद पता चलेगा, पहले नहीं? नहीं, रजिस्ट्रेशन से पहले ही जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे उसी समय ड्रॉप डाउन में आ जाएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 15% लिखा है जी, और वेंडर कहता है मैं तो केवल 5% दे पाऊंगा जी, और हमने वहाँ 5 लिख दिया सपोज जी, तो क्या होगा उसी उस कंडीशन में? वैसे तो 5 लेगा नहीं, अगर मिनिमम हमने 15 लिखा हुआ है। इसके लिए फिर आपको अमित संधु जी को फोन करना पड़ेगा और अमित संधु जी चेक करेंगे कि हमें सेम कैटेगरी में दूसरे वेंडर कितना दे रहे हैं। जनरली हम लोगों ने वही वहां पे लिखा हुआ है कि हमें दूसरे कैटेगरी उसी वेंडर से कितना दूसरे कैटेगरी में मिल रहा है, सॉरी सेम कैटेगरी के दूसरे वेंडर से हमें कितना मिल रहा है। अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत बड़ा वेंडर है, हमारा रीजनल ब्रांड है ये और हमें इसको अप्रूवल देना चाहिए, तो आप रिकमेंडेशन अपने स्टेट हेड के थ्रू हमें पास कर सकते हैं, हम उस पे ऑफ कोर्स विचार करेंगे और अगर कम में हमें लाना पड़ेगा तो हम लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बट आपको ध्यान ये रखना है रिकमेंडेशन कुछ ही लोगों का करिएगा, सबका नहीं, क्योंकि वरना आपका भी इंसेंटिव मारा जाता है। क्योंकि क्या होता है, लेट से किसी को आप 15% पे ला रहे हो और उसका कमीशन लेट से मुझे 1,00,000 रुपए आना है, तो आपका 1,00,000 रुपए का 5.5% आना है। और अगर वही 10,000 हो जाएगी तो आपको 10,000 का 5.5% आएगा। सर एक चीज पूछना चाह रहा था जी, जैसे मेरा मोबाइल नंबर मेरा यूजर नेम है जी, और मैंने उसी नंबर को अपने मोबाइल नंबर में भी यूज किया हुआ है जी, तो मैं दूसरा नंबर भी यूज कर सकता हूँ जी, मोबाइल नंबर की जगह दूसरा मोबाइल नंबर भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, उस मोबाइल नंबर को मैं और भी रजिस्ट्रेशन में यूज कर सकता हूँ क्या? एक मोबाइल नंबर आप चार जगह नहीं यूज कर सकते, चार यूजर में, यूजर में भी नहीं कर सकते। नहीं, यूजर की बात नहीं कर रहा। हाँ। यूजर नंबर तो एक बार हो गया। हाँ। कॉलिंग के लिए जो, जैसे मान लीजिए मेरी चार फर्म है सर, चारों फर्मों के बिल्कुल बिल्कुल कई नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी चार फर्म है, चारों को मैंने वेंडर बनाया सर, तो मैं ये चाहता हूँ चारों वेंडर बन रहे हैं तो चारों जगह मेरा मोबाइल नंबर एक ही जाए कॉलिंग के लिए, अगर कोई मुझे कॉल करे तो सेम नंबर हो, तो हाँ वो नंबर होता है। मल्टी स्टोर दिया है, मल्टी स्टोर में आप चारों अपने को मल्टी स्टोर में रजिस्टर कर दीजिए, मगर नंबर सिंगल दे दीजिए, तो जो भी आप जैसे जो हमारे ऐप में कॉलिंग वाला बटन है उस पर वही वाला नंबर रहेगा। जैसे मल्टी स्टोर में तो चारों स्टोर एक ही नाम के होने चाहिए, ऐसा है ना? ये मैं कह रहा हूँ चार फर्म अलग अलग नाम की है, आप बोल रहे हैं सब में कॉलिंग का नंबर एक रख सकते हैं, मेरे हिसाब से अमित कर सकते हैं। हाँ, इसलिए सर उसमें ले नहीं रहा, वो मना कर देता है। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अलग नंबर चाहिए, बट आप प्रोफाइल डिटेल्स में जाके अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आप सेम रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए तो अलग अलग नंबर चाहिए बट कॉन्टेक्ट में आप एक ही नंबर रख सकते हैं। अनिल जैन बोल रहा हूँ ग्वालियर से जी, बताए। मैं एमसीपी हूँ, सॉरी, तो मेरा काम, मैं एमसीपी हूँ तो मेरा काम सीपी और एसीपी बनाना है, इसके अलावा उनको मेंटर करना, ये बहुत बड़ा काम है सर। हेलो, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। इसका ये काम हो जाएगा, मेरा बोलना है कि जैसे एसीपी और सीपी और एसीपी बनाने हैं जी, इसके अलावा और क्या काम है?
एमसीपी का, बस उनको मेंटर करिए, ये बहुत बड़ा काम है। चलिए सर, ये बहुत अच्छे मेंटर है हमारे यहाँ के सर। हाँ तो बहुत अच्छी बात है सर। एक क्वेश्चन फिर दोबारा पहुंच गया हमें जी, एसीपी का पिन कोड और उस पिन कोड पर उसकी फाइनेंशियल गोल्स जो उसको मिलेंगे। नंबर टू, अगर उसके पास में कोड अवेलेबल नहीं है, जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर में सौभाग्य से मैं इस एमसीपी हूं, अनिल जैन साहब एमसीपी हैं, हमारे अंडर में 20 सीपी हो गए और हमारे दोनों के अंडर में 200 एसीपी हो गए हैं, और हमारे पास ऑफिशियली देखा जाए ग्वालियर ग्वालियर के तो 20 कोड्स हैं, बाकी तो आप ऐसे कोड आसपास जाने पड़ेंगे जो हमने भी जगह नहीं देखी होगी, लेकिन एसीपी को अलॉट करने के लिए हमको कोई ना कोई पिन कोड देना पड़ता है। अब उस पर्टिकुलर पिन कोड अलॉट करने के बाद जी, मैं खुद जो हूँ, मैं एसीपी हूँ, मैं रहता 111 पिन कोड पर हूँ, लेकिन अलॉटमेंट दुर्भाग्य से अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को 20 हुआ है, मैंने मांगा है 20 क्योंकि अवेलेबल वही था। अब ऐसी कंडीशन में अब मैं 20 पिन कोड 20 मान के चलिए, सिरोल रोड है एग्जांपल, जो बिल्कुल जो है वो ग्रामीण इलाका है, अब मैं वहां पे क्या तो वेंडर बनाऊंगा और क्या वहां के लोग मेरी बात को सुनेंगे? सर, अगर वेंडर भी अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वेंडर मेरा अच्छा है। देखो, टोटल इंडिया में 18,000 पिन कोड होंगे जहाँ पे ग्लोबल गार्नर काम करना चाहता है जी। हैं टोटल 19,100 जी, जिनमें से 18,000 हमने अपने लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये दिक्कत तो रहेगी, जो पहले आएगा वो पहले मजा लेगा और वो अपना पिन कोड बस पकड़ के रखना चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास विंडो एसीपी के लिए तब खुलेगी अगर दूसरा एसीपी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि एज ए एसीपी आपको अपना पिन कोड पकड़े रहने के लिए अपने पार्टनर्स के थ्रू एटलीस्ट 2 यूपॉस हर महीने सेल कराने हैं। तो जब उन्होंने नहीं सेल कराया तो अब वो खतरे में उनका पिन कोड एक्सक्लूसिविटी चला जाएगा। मैं अपने पिन कोड पर जहां मैं रह रहा हूं, अलॉटेड नहीं, जहां मैं रह रहा हूं वहां पर अगर मैं वेंडर अपॉइंट करता हूं तो फाइनेंशियल गेन मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा? 2.75। अच्छा, अब डायरेक्ट जो पिन कोड अलॉटेड है और वहां वेंडर बनाता हूं तब 5.5%, यानी जो भी फर्क आएगा वो लगभग 50% राइट। तो मतलब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, वेंडर बढ़ा बहुत पैसा। अभी आ रहा हूं मैं आप लोग की गोल सेटिंग वो एक्सेल पे आ रहा हूं, तो आपको पैसा दिखेगा, वेंडर जीरो बनाने पे भी पैसा दिखेगा। सर एक चीज और, सर एक चीज और विकास, मैं एक सेकंड लूंगा बीच में जी। जितने हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एसीपी बनाओ, वो ऐसा नहीं कि एसीपी पहले बना लें फिर पिन कोड ढूंढे, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। पहले पिन कोड आइडेंटिफाई करिए और वहां जो इन्फ्लुएंशियल बंदा है उसको एसीपी बनाइए, तब आपके लिए आसानी होगी। अब होता क्या है कि मुझे 10 लोग जानते हैं, मैं उनको कहता हूँ तू भी आ जा, सबको इकट्ठा करके एसीपी बना लिया, फिर उनके लिए मैं पिन कोड ढूंढने चलता हूँ, ये उल्टा है। आप पहले पिन कोड देखिए कि मेरा ये पिन कोड हो गया, ये पिन कोड हो गया, ये पिन कोड खाली है, अब इसके लिए मुझे एसीपी चाहिए, तो फिर आप उस एरिया का ही बंदा देखेंगे तो अनुपम भैया, फिर आपकी तकलीफ नहीं रहेगी। सर हमारे अनिल सर है ना आदरणीय, उन्होंने एक रात में पिन कोड हमारे पूरे एसीपी, जब तक हम उठे तब तक तो मेरा पिन कोड ही गायब था। मैं गया जो सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, जो सोवत है सो खोवत है। चलिए सर, जोक सपाट सर, प्लीज सर, विकास सर कंटिन्यू, आप कैलकुलेटर भी कर रहे थे। ओके, सो कोई और फर्दर क्वेरी है या हम वो शीट्स पे जाएं और हम देखें कि हम कैसे गोल सेटिंग अपनी कर सकते हैं? सर वेंडर का एक पार्ट है जी, जो वेंडर है वो ऑलरेडी कुछ डेज होते हैं, मतलब बाई वीकली वो कुछ ऑफर्स देता है कि आप इस दिन परचेस करते हैं तो हम आपको ये बेनिफिट्स देते हैं जी। तो उस तरीके का वेंडर मैंने एक चूज किया है जी। तो उसका कहना है कि भाई मैं तो तैयार तो हूँ, पर ये जो मैं 2 दिन में देता हूँ इसको छोड़कर बाकी दिन दे पाऊंगा, बाकी दिन अगर जी करने वाले कंडीशन में लिख सकता है ना कि ये 2 दिन देगा, जैसे बाकी बिग बाजार शॉपर्स स्टॉप ने भी लिखा ही होगा ना
कि भाई जैसे अमेज़न ने लिखा भाई मैं एमआई पे नहीं दूंगा, दैट्स इट, बाकी तो प्रोडक्ट है ना बहुत सारे, नहीं देगा भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तो वेंडर अपने हिसाब से देखिए, फिर वही बात है, हम ग्लोबल गार्नर को डिसाइड करके कस्टमर को नहीं दे रहा है, ग्लोबल गार्नर क्या बन रहा है, सिर्फ एक ब्रिज, इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, हम केवल वो ब्रिज है, जब इससे आप क्रॉस करोगे आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, इस पे एक बात और निकल कर रही सर, कि उसका कहना है कि मेरे पास बिलिंग होती है पर मंथ होती है, वो बिलिंग होती है तकरीबन 6000 बिल में हर महीने करता हूँ। हेलो जी, सुन रहा हूँ मैं। 6000 बिलिंग होती है उसकी, तो रहेश भाई ये 6000 बिलिंग तो होती है, तो मैंने एक्सक्लूसिवली बात किया था कि इसका आपको 50% बिलिंग हमारे जीजी को करना पड़ेगा। हाँ। तो उसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा बोले में? फिर वो हमारे लिए एक्सक्लूसिव वेंडर हो जाएंगे, एक एक किलोमीटर रेडियस में उनके अलावा दूसरा हमारा वेंडर नहीं हो सकता सेम कैटेगरी में। उनका खुद का कंपटीशन एक किलोमीटर रेडियस से खत्म हो गया ना। हाँ, ये बात भी सही है। आज कंपटीशन खत्म करने के लिए तो आदमी एक दूसरे की जान लेने को तैयार है, हम तो बहुत सिंपल तरीके से कॉम्पिटिशन बात हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, कौन बोल रहे हैं? संदीप गोयनका बोल रहा हूँ। जी बताइए। तो अभी ये इस मीटिंग के बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, मेरा नंबर या आप मुझे कॉल बैक करेंगे? वैसे तो मैं, मेरा नंबर ग्रुप में भी है और आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। राइट, आप बोल दीजिए एक बार। 99 एक सेकेंड 3909 चलिए बहुत बढ़िया, तीन जगह जीरो रह गए, बस वो भी 9 हो जाते तो अच्छा था। जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती है। अच्छा वो कहते ना, किसी ने सच कहा है, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही हैं जो जीने का मजा देती हैं, तो बस वैसा ही है। मदन जी आपका जी सर। हाँ जी सर, मैं मदन मोहन गुप्ता ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी सर, मैं अमेजोन पे मैंने अपनी ग्लोबल गार्नर के माध्यम से मैंने देखा एक ऐप 77 था, ओप्पो एप 7 मोबाइल, जो इसमें 24,000 का बता रहा था और मैंने डायरेक्ट अमेज़न दूसरे मोबाइल से देखा उसपे 21,000 का बता रहा था। नहीं पॉसिबल नहीं है सर, इसमें 3,000 रुपए टैक्स बता रहा था, उसमें डायरेक्ट ही बता रहा था, सवाल नहीं उठता, नॉट पॉसिबल सर। मैंने वेबसाइट ही खोली है ना, आप फाइनल बिलिंग पे जाएंगे तो फाइनल बिलिंग पे जाएंगे देख सकते हैं ना, आप अभी अपने में खोलिए और मैं इधर से खोलता हूं, दोनों देख लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है ना। खोलिए सर, एक मिनट सर, अभी जब तक आप और बात करिए तब तक मैं खोलता हूं। जी दोनों खोल लो ना, आप दोनों अपने डैशबोर्ड पे खोल लो, यूपॉस पे भी खोल लो, अपने मोबाइल पे भी खोल लो। विकास सर, हम अपने रेफरल आईडीज को तो देख पाते हैं अपने ऐप पर, यूजर ऐप पर, लेकिन जो हमारे यूजर्स रेफरल यूजर्स हैं, वो जो लोगों को रेफर करते हैं, कहीं हम उनको भी देख सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ माय सर्किल में आप देख सकते हैं। माय सर्किल जब आप बनाएंगे तो सर्किल में आपको 9 सर्किल तक दिखेगा, बट उसमें नहीं दिखेगा जो आपके रेफरल वाला, क्योंकि वो सिंगल लाइन रेफरल है। तो ये माय सर्किल बाय डिफॉल्ट बनेगा, परचेसिंग होती जाएगी और पैसा जोड़ता जाएगा। अगर आपने चूज किया है माय सर्किल को एज कैशबैक, तो ऑटोमेटिकली फिर बाय डिफॉल्ट जो है, अगर हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो। करेक्ट, थैंक यू सर। मैंने 44 रेफरल किए, मैं यूजर बनाए हैं सर, लेकिन मैं एसीपी वाले अपने डैशबोर्ड पर देखता हूँ तो वो वहाँ 91 दिखाई देते हैं, या तो जो मेरा पिन कोड पे आपको आपके पिन कोड के यूजर दिखाई देते हैं और यूजर ऐप में आपके यूजर रेफरल वाले दिखाई देते हैं, दोनों में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो विकास जी आगे बढ़े सर, ओप्पो वाला केस बाद में सॉल्व करेंगे। आप बोले तो मैं वो एक्सेल खोलता हूँ और फिर हम वो एक बार बात कर लेते हैं कि गोल सेटिंग कैसे करना है अपना और हमारी इनकम कहाँ कहाँ पर। सर ओप्पो वाला केस सुलझा लें सर। सॉरी,
ओप्पो वाला जो इंक्वायरी थी ना ओप्पो की, सर इस पे टैक्स बता रहा था, खोल रहा हूँ अभी, इसमें दिखा नहीं रहा, देख रहा हूँ मैं, देख लीजिए बिल्कुल है, कितना है सर अपनी वाली फ्लिपकार्ट पे, सर फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा है इस पे 21,000 का, 21,500 का दिखा रहा, ठीक है, और अपनी पे कितने का दिखा रहे हैं आप, खोल के देखिए सर, फ्लिपकार्ट में तो हम वाउचर दे देते हैं, तो वो तो आप फ्लिपकार्ट पे ही जाके यूज करेंगे, तो हमारे में अलग हो ही नहीं सकता है, आप अपनी ही ऐप पे हमारे वाउचर यूज करेंगे। अच्छा, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैंने देखा था उसमें 3,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दिखा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए सिंपल से बोलिए, मैं फिर से वही बोलूंगा, ग्लोबल कॉर्नर का सिंपल समझिए, हमारा अपना कुछ है ही नहीं जी, हम केवल कनेक्टिंग है जी जी। आपने जैसे देखा होगा कि थोड़ी देर लिख के आता है कि वी आर नाउ कनेक्टिंग यू टू अमेज़न, तो हम अमेज़न की ही वेबसाइट आपको खोल के दे रहे हैं, या मिंत्रा की ही वेबसाइट खोल के दे रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ और वहाँ रेट अलग हो, क्योंकि आदमी दोनों एक ही हैं। मैं आपको बोलूं मेरे घर में आइए तो आप आदमी बदल नहीं जाएगा ना, आदमी सेम है, केवल मेरे घर में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कमीशन मुझे मिल रहा है बस। लेकिन सर एक बात माननी पड़ेगी, सॉरी लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, यदि मैं अमेज़न को डायरेक्ट ओपन करता हूँ तो उसका प्रेजेंटेशन अलग है, ऐप अलग है, और यदि मैं जीजी के थ्रू जाता हूँ तो उसकी ऐप अलग है। नहीं ऐप नहीं है, फिर वही अलग है, अगर आप अपने उस मोबाइल में ग्लोबल गार्नर से अमेज़न खोलेंगे तो आपकी अमेज़न ऐप ही खुलेगी, अगर आपके मोबाइल में ऐप नहीं है तो अमेज़न का डोमेन खुलता है। ऐप है मेरे पास सर, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग है। नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन खुलता है, रुकिए फिर से आप एक बार सामने सामने करिए मेरे सामने, रुकिए मेरा एक्चुअली दूसरा मोबाइल इसमें इसमें दो 21,000 का बताया था। अगर आपके मोबाइल में अमेज़न की ऐप होगी तो वो अपने आप आपकी ऐप खोलेगा, आप एक बार दोबारा अभी ट्राई करके देखिए। राजू भाई साहब, सॉरी राजू भाई साहब, राजू भाई साहब जी, हाँ राजू भाई साहब, जय माता रानी, ये कह रहा हूँ कूपन खरीद रहे हैं, अरे कल 2,490 अभी तो दिखाई रहा है, बोले तो मुझे समझ में आएगा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा है। मदन जी माइक म्यूट कीजिए, मदन जी माइक म्यूट कीजिए। 37,000 जी जी सर जी, 37,000 इसको तो हटाओ जी, बताइए राजू जी, पूछिए अनिल, अनिल जी पूछ रहे थे, अनिल जी, अनिल जी पूछिए, अनिल कुमार जैन जी पूछिए। अरे मेरा एक क्वेश्चन ये था, कल मैं जो एक रिचार्ज देख रहा था 555 का, इसमें जियो के थ्रू, तो जो अपन अमेजोन से अमेजोन के द्वारा वहाँ जियो के ऊपर जा रहे थे तो करीबन 575 रुपए करीबन आ रहा था, और इसमें आ रहा था 583 रुपए का, ऐसा डिफरेंस क्यों जी जी के द्वारा? वो लोग पेमेंट गेटवे चार्ज नहीं ले रहे, हम पेमेंट गेटवे चार्ज भी लेते हैं। ओके तो फिर दूसरा व्यक्ति अपन से कौन लेना चाहेगा सर, दूसरा यूजर, अगर डिफरेंस डिफरेंस आएगा तो यूजर अपन को क्यों पसंद करेगा? अमेज़न पे आपको ये 500, लेट से मैं कहता हूँ वो 500 रुपए में दे रहा है और 600 में दे रहा है, ठीक है, पहले तो डिफरेंस कितना था आपने, एक मिनट मुझे याद दिलाइए, 8 या 10 रुपए का था करीब, 10 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है, अब ये 10 रुपए का डिफरेंस से आपको अमेज़न से कितना कैशबैक वापस मिल रहा है? Amazon से नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है, और ग्लोबल गार्नर से कितना मिल रहा है उसका आइडिया नहीं, कितना कितना मिल रहा है अपने को? सबसे पहले तो 100% के 500 कॉइन तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ओके, और जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले दिखाया था आपको कि आप 500 रुपए के कॉइन्स 500 रुपए तुरंत यूज कर सकते हैं, अगर आप 10,000 रुपए के कोई भी वाउचर खरीद रहे हैं हमसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आप किधर शॉपिंग करना चाहेंगे? नहीं, इसकी जानकारी में एक्चुअली डिफरेंस देखना चाह रहा था दोनों में। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या है हमारा एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, इतना इंटेंस है, इसको आपको समझने में ही कम से कम महीना भर चाहिए, और वो भी जब आप 2 घंटा डेली समझें। जी जी, मैं इसीलिए जो आपसे सवाल किया था कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन किसी डिफरेंस आता है, क्योंकि देखिए हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया है, लोग क्या करते हैं, सबको पेमेंट गेटवे चार्ज तो सबको पड़ता है, बट क्या होता है वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं हम प्रॉफिटेबल हों, उन लोग ने अपने जेब से पैसा खर्च करके बिजनेस करते हैं। सर सर एक सवाल हो
बीच में ही एक सवाल और है, यदि अपन किसी यूजर को मान लीजिए टीवी परचेज करते हैं अमेजोन से आ रहा है अगर उसका 22,000 रुपए का और अपने यहाँ से कितने का है तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा सर? सबसे पहले तो उनको 22,000 के 22,000 कॉइन मिल जाएंगे। ओके सर, 22,000 ओके। दूसरा उनको कुछ तो कैशबैक मिलेगा, लेट से वो इंस्टेंट कैशबैक में जाते हैं, अभी मैं आरपीपी फीफो माय सर्कल को हटा देता हूँ, मान लीजिए उनको 2% भी कैशबैक मिलता है जी, तो उनके लिए अच्छा है या बुरा है? पर कॉइन कितने का रहता है इसमें? हेलो, हर कॉइन का वैल्यू 1 रुपए। कितनी क्या वैल्यू है सर? 1 रुपए। 1 रुपए, ओके सर, ओके, ठीक सर। 22,000 कॉइन मिले मतलब वो 22,000 रुपए की वैल्यू रखते हैं। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए मनी में दो हमारे प्रोसेस है, एक फीफो है, एक माय सर्किल है, उनमें आप डाल के उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं मनी में, या उसको आप अपने हर शॉपिंग में 5% यूज कर सकते हैं, बिल अमाउंट का, ना कि कॉइन का, बिल अमाउंट का। हाँ, जैसे आपको 10,000 के 10,000 कॉइन एक साथ यूज कर लेना है तो आप 2,00,000 का बिल करिए, उसमें आपको 1,90,000 जेब से देने पड़ेंगे, 10,000 आप कॉइन से पे कर सकते हैं। हेलो हेलो, ओके, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, हेलो हेलो जी, जो हेलो बोली बोलिए भाई, आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो विकास सर, अब आगे चलिए सर, एक्सेल खोलिए अपनी सर, प्लीज आगे चलते हैं अब। ओके तो स्टार्ट करें एक्सेल पे, यस हेलो सर, सर मैंने अभी, हाँ जी जी भाई साहब, हाँ विकास जी मैं ये कह रहा था, मैंने सर्च वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ओप्पो एप 7 मैंने डाला उसमें, तो 24,000 का ही बता रहा है इसमें सर, अभी भी आप, मैं उसमें नहीं गया हूँ, फ्लिपकार्ट पे नहीं गया हूँ, डायरेक्ट ही गया हूँ मैं सर। किस पे गए, कौन सी वेबसाइट पे? नहीं, ग्लोबल गार्नर का ऐप खोलने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन रहता है, सर्च पे मैंने ओप्पो एप 7 डाला मैंने। हो सकता है कोई लोकल वेंडर महंगा बेच रहा हो, तो आप सस्ते वेंडर से खरीद लीजिए। अच्छा अच्छा, ये अलग वेंडर होगा, ये लोकल वेंडर होगा हमारा, जो जीजी वेंडर जिसको आप लोकली जाके रिक्रूट करते हो ना, ये जी प्रोडक्ट डाल दिया होगा। जी सर जी, अच्छा अच्छा, महंगा ही होता है ना। जी जी सर जी, ठीक है सर, क्लियर हो गया जी। तो आगे बढ़े जी सर जी, ओके ओके। इसमें अभी 24,000 बता रहा था मैंने, कि इसमें तो अभी भी 24,000 बता रहा है। अरे इसमें 24,000 ही बता रहा था, इसलिए मैंने क्लियर किया सर। सर इसको ओप्पो, सर इसको ओप्पो गिफ्ट कर दो सर। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी ओपन हो रही है, अभी स्टार्ट होने वाली है सर, शेयरिंग है भाई, स्क्रीन दिख रही है सर, अभी नहीं आई, एक मिनट वेट करिए कुछ, एक सेकंड, मैं अभी नहीं। हम एसीपी से शुरुआत कर रहे हैं, ये आपके सामने जो स्क्रीन है ये दिख रही है आपको? हाँ जी दिख रही है, दिख रही है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजीली आइडिया लगेगा। अब देखिए, जब भी आप एक एसीपी की गोल सेटिंग करेंगे तो आप सिंपल उनसे सवाल पूछेंगे। ओ, एक सेकंड, मैंने शायद सीपी का, सीपी ओपन है सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आ रही सर, बाकी लोगों को आ रही है? आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, उनको चेक करना पड़ेगा अपना सिस्टम, बिकॉज बाकी लोगों को अगर आ रही है तो मतलब मेरे वहां से सही है, आवाज क्लियर है। ओके हेलो, जी जी आ रही है, विकास जी आप अपनी आवाज सबके काम रही है, विकास जी सबको म्यूट कर दीजिए आप जी। ओके, अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, और जिसको आप सवाल पूछना होगा तो आप बीच में हाथ उठा लीजिएगा। ओके थैंक यू। ओके आगे बढ़ें, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप एसीपी की, अब आप सिंपल पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं अगर एसीपी को, कि भाई आपके पिन कोड का क्या पोटेंशियल है, तो सबसे पहले आपको उनसे पूछना है कि भाई जनरली आपके एरिया में आपको क्या लगता है आपके पिन कोड पे कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो लेट से एक एवरेज अगर हम हमारी तरफ से देखें तो 1 से 1.5 लाख आज एक एवरेज पॉपुलेशन हर पिन कोड पे रहती है, राइट?
अब अगर उसमें से हम पकड़ के चले, अगर 1 लाख का पॉपुलेशन है और उसमें से हम मान के चले केवल 10% यूजर ही यूपीवी जनरेट करेंगे, और मैं सिर्फ ये यूपीवी की बात कर रहा हूँ, एक यूजर 10 UPV भी जनरेट कर सकता है, एक यूजर 5 UPV भी जनरेट कर सकता है, एक यूजर 1 UPV भी जनरेट कर सकता है। इन लोगों को यूपीवी का एक बार क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। ओके, तो यूपीवी का मतलब है कि यूजर परचेज वैल्यू, मतलब जब 10,000 रुपए का कोई खर्चा करता है उसको हम यूपीवी बोलते हैं, राइट। तो 10 अगर उसमें से केवल 10% को भी हम टारगेट करें कि हमारे यूजर हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या इनकम आएगी। एक पिन कोड पे एवरेज अगर मैं 180 वेंडर पकड़ के चलता हूँ लाइफ टाइम में, अगर एक ACP बनाता है तो 180 वेंडर से अगर सिर्फ 20,000 रुपए का कमीशन आ रहा है तो क्या इनकम होगी। अगर मेरा पार्टनर कितने यूपॉस बेचता है, एक ACPS मान लीजिए 10 पार्टनर हैं, और वो अगर एक यूपॉस भी महीने का बेचते हैं और वो यूपॉस हर महीने सिर्फ 1 लाख रुपए भी अर्न कर रहा है, तो हमारी क्या इनकम होगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जितने भी ग्रीन कॉलम आपको दिख रहे हैं ये आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 180 के 90 भी कर सकता हूँ, मैं 180 की जगह 200 भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे ऊपर है और ये पूरा कैलकुलेटर अपने आप वर्क करेगा, उसके बाद आउटपुट अपने आप आएगा। तो इसको 180 रहने देते हैं। तो अगर आप एक ACP की इनकम देखेंगे तो सबसे पहले उनको इनकम आएगी UPV से, जो कि करीब 1.5 लाख रुपए आएगी, करेक्ट। फिर आएगी वेंडर से, वेंडर से आएगी करीब 1,98,000 जो वेंडर्स उन्होंने रिक्रूट किए हैं उससे। यूपॉस से जो वन टाइम इनकम आएगी, क्योंकि अगर उनका पार्टनर सिर्फ एक यूपॉस भी बेच रहा है तो उनको करीब 2,40,000 रुपए टोटल इनकम आएगी। प्लस यूपॉस से जो रेगुलर इनकम आएगी हर महीने 12 महीने के बाद, क्योंकि आपने 12 महीने लगा के ये पूरा सिस्टम खड़ा किया होगा, 12 महीने बाद आपको केवल यूपॉस से करीब 3 लाख रुपए की इनकम दिख रही है। सो इन टोटैलिटी अगर आप देखेंगे तो वन टाइम इनकम जो आएगी साल भर में आपको, तो 2,40,000 की आएगी, और मंथली इनकम 6,48,000 की टोटल आएगी आपको। अब ये आपकी मंथली इनकम हो गई, क्योंकि ये लोग ट्रेड करना बंद नहीं करेंगे, ना यूपॉस बंद करेगा, ना वेंडर करेगा, ना यूजर करेंगे। तो आप बोल सकते हैं ये आपकी एक फिक्स इनकम हो गई, और ये जैसे जैसे लोग खर्चा बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम ये बढ़ेगी। अब इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी करके देख सकते हैं। अगर कोई अपने एरिया का मुझसे करवाना चाहता है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे फिगर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। हाँ जी, कोई भी अपना पिन कोड, अपने आपने जो 2,40,000 रुपए यूपोस की इनकम ली है 12 महीने की, जी ये कितने यूपोस के लिए? सिंपल, मेरा पार्टनर एक यूपॉस महीने का बेच रहा है, मतलब 12 महीने के 12 यूपॉस हुए, मेरे पास 10 पार्टनर है तो टोटल 120 यूपॉस हुए। 120 यूपॉस का मुझे 2,000 रुपए मिलेगा, तो 2,40,000 रुपए हुआ, करेक्ट है। और फिर मेरा जो मंथली इनकम है यूपॉस से, जो यूपॉस वाला कमा रहा है उसका 5% मुझे लाइफ लॉन्ग मिलना है, तो मुझे 120 यूपॉस मिले, तो जिसका मुझे 2.5% लाइफ लॉन्ग मिलेगा एज ए ACP। मेरे पार्टनर को 5% मिलेगा, बट एज ए ACP मुझे भी 2.5% मिलेगा, तो 2.5% के हिसाब से ये हुआ, ये मेरी मंथली इनकम है। अब आप इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं वेंडर 0 भी कर दूं तो भी ये बहुत बड़ा इनकम पोटेंशियल है। और ध्यान रहे, एक टाइम के बाद आप यूपॉस नहीं बेच रहे हैं, आपको इसीलिए बस ये ध्यान रखना है, जिसको भी आप यूपॉस बेचे वो बंदा होना चाहिए जो उस पर ट्रेड करे, रादर सिर्फ आपको 54,000 दे सके, क्योंकि 54,000 लेने के बाद आपकी इनकम बहुत छोटी है, आपको सिर्फ 2,000 रुपए मिल रहा है यूपॉस के ऊपर। मगर आपकी बड़ी इनकम तब है जब वो यूपॉस वाला ट्रेड करेगा, क्योंकि वो आपको हर महीने मिलेगा। ये 2.5 लाख के लिए शायद आपको साल भर लग जाएगा, बट अब ये आपको हर महीने मिलेगा। तो आपको ध्यान केवल ये देना है, यूपॉस हमें उसको बेचना है जो यूपॉस पे ट्रेड करे, और फिर आपको यूपॉस को हमेशा ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा। जैसे अभी किसी ने मुझे पूछा था, मैं MCP हूं, मेरा काम क्या रहेगा बाद में, तो आपको आप लोगों को बस ये ट्रेन करना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा कमीशन मिलता है। लेट से कल हम किसी की फ्रेंचाइज लेके आए, कल किसी को मोबाइल लॉन्च करना है, कल किसी को अपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप उसको प्रमोट करवाइए अपने एरिया में,
तो ग्लोबल गार्नर एक ऐसा सेल्स इकोसिस्टम बन जाएगा जहां पे कोई भी वेंडर आना चाहेगा, क्योंकि अपफ्रंट कोई कॉस्ट नहीं है। और यहीं पे सीपी एसीपी एमसीपी का रोल आएगा कि उनको अब अपने एरिया में इसको कैसे पॉपुलर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ये कमाएगा बंदा क्या नाम है आपका यूपॉज और आपका वेंडर, उसके ऊपर आपकी पूरी इनकम डिपेंडेंट है। तो केवल यूपॉज जो 50,000 रुपए दे सकता है उसको हमें नहीं बेचना है, हमें यूपॉज उसी बंदे को बेचना है जो उस पर ट्रेड करे, क्योंकि यूपॉज लेने से इनकम नहीं आएगी, यूपॉज पे ट्रेड करने से आएगी। इसके सबसे बढ़िया पोटेंशियल है आपके इंश्योरेंस के लोग, फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग, आपके रिटेल शॉप ओनर्स जो हैं एंड केबल ऑपरेटर्स, ये सबसे बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है जिसको ये मटेरियलाइज कर सकते हैं, और इनको ये 100 रुपए 150 रुपए 500 रुपए कमाने में मजा आता है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा कि आपने लेट से अभी 100 रुपए का वाउचर बेचा और आपको 50 रुपए 50 पैसा मिलेगा, तो आप बोलोगे यार 50 पैसे में क्या होता है, बट जो एक रिटेलर होता है वो इस 50 पैसे की अहमियत जानता है, क्योंकि उसको मालूम है ये चीज मैं 100 लोगों के साथ करूंगा। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी हो एज एन एसीपी, अगर वो अपनी गोल सेटिंग मुझसे यहाँ पे देखना चाहते हो, अपने एरिया का पोटेंशियल जानना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेटा उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। और ये शीट हमने आपको भी भेजी हुई है, तो आप भी इसको अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। ये जो अभी प्रोजेक्शन आपने दिखाया है, ये 120 यूपॉस पर प्रोजेक्शन दिखाया है। जी, 120 यूपॉस साल भर के उसको अगर एक एसीपी सिर्फ अपने पार्टनर से, बल्कि 120 यूपॉस की तरफ मत देखिए, आप ये देखिए अपने पार्टनर से आप कितने यूपॉस सेल करवा रहे हैं, सिर्फ एक। अगर वो महीने के एक यूपॉस भी बेच रहे हैं तो ये इनकम आपकी है। बहुत ही सिंपल मैथ्स है। अभी तक एसीपी की हाईएस्ट इनकम क्या है? करीब 14 से 15 लाख रुपए, बट वो उन्होंने एज अ वेंडर बना के कमाई थी, क्योंकि उनके पास एक मलाइका स्टोर्स करके काफी अच्छे स्टोर्स हैं उनके पास, तो वो अच्छा सेल करते थे हमारे थ्रू, तो वो उसमें उनको ज्यादा अच्छा कमीशन मिलता था, क्योंकि ये 5.5% के हिसाब से उनको काफी अच्छा कमीशन आता है उनसे। कितने साल पहले ये कंपनी आई थी? आई थी नहीं सर, आई है, अभी भी है जिंदा। कितने साल पहले आई है? चलिए, 2016 में हमने अपना कंपनी बनाया था, फरवरी 2016। ओके, तो 16 से लेके अभी तक की इनकम है उनकी, हाईएस्ट इनकम जो है? हाँ, उनकी एक साल की इनकम है ये, क्योंकि उनका जो फाउंड 16 था, जब हमने देखा था तब हमने ये जाना था। जी जी, ठीक है। देखिए, फिर मैं वही बोलूंगा, किसी ने नहीं देखा किसने क्या बोला, मैं मेरी वेबसाइट पे कुछ भी डेटा डाल सकता हूँ, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करके देखिए ना, जैसे मैंने बोला कि इंस्टेंट कैशबैक में ये आता है, आप एक बार ट्राई करिए, माय सर्किल में ये आता है, आप एक बार ट्राई करिए, क्योंकि आप ट्राई किस चीज से कर रहे हैं ये सबसे अहमियत रखता है। मैंने आपको यहाँ पे बड़े बड़े गुब्बारे दिखा दिए, सपने दिखा दिए, बट इसके लिए आप मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ अगर आप अपना माय सर्किल भी करके देखिए, आप अपनी यूपीवी जोड़ी और देखिए 75 रुपए आया कि नहीं आया, नहीं आया तुरंत ऐप डिलीट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। और वो 75 रुपए के लिए आपने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है, आपने जैसे आज तक आप प्ले स्टोर में गूगल को आपने प्रमोट किया, गूगल पे को किया, फोन पे को किया, उबर को किया, ओला को किया, आज ये सब $1 बिलियन कंपनी बन गई, इससे आपका कोई इनकम नहीं है। बट आज मैं ग्लोबल गार्नर में आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप अब इसको लेके अपनी कंपनी बोल के आगे बढ़ सकते हैं, और ये होगा तो ये होगा। फिर मैं वही बोलूंगा, बैट बॉल हर बच्चा खरीदता है, बट ना कोई विराट कोहली बनता है, ना हर कोई धोनी बनता है, ना हर कोई सचिन बनता है, क्योंकि उस बैट बॉल को लेके क्रिकेट ग्राउंड पे डेली जाने वाला बच्चा ही क्रिकेट ग्राउंड जाता है इंडियन जर्सी पहनने। ISPCS के एग्जाम में भी बहुत सारे हमारे लोग भर्ती ले लेते हैं, बट बनते कितने हैं ये आपको बेटर पता है। एग्जैक्टली, कितना टाइम इसमें रोज अपने को अगर आप 2 घंटा भी डेली देंगे तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। हाँ, एसीपी का थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, बट सीपी एमसीपी का बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बिकॉज वो गाइडिंग फोर्स ज्यादातर रहेंगे, उनका काम मेंटरिंग का ज्यादा रहेगा, बट एसीपी का मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटा जाएगा शुरुआत में। कम किसका जाएगा?
सीपीएमसीपी का ऑफकोर्स ही बातें कम जाएगा क्योंकि लीडरशिप रोल है. अच्छा राइट राइट सिंपल समझिए. ये देखिए अगर आपने इंश्योरेंस कभी भी समझा है तो इंश्योरेंस में क्या होता है, रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर और एजेंट. हमारे वहां सेम हायर की है, रीजनल मैनेजर मतलब एमसीपी, ब्रांच मैनेजर मतलब सीपी, सेल्स मैनेजर मतलब एसीपी, और फिर पार्टनर्स जो हुए वो हमारे एजेंट है, इसीलिए अनलिमिटेड एजेंट बना सकते हैं आप. अच्छा एमसीपी जो बनेगा वो कोई कंपनी भी हो सकती है क्या? जी कोई भी हो सकता है, बल्कि हम रिकमेंड यही करते हैं कंपनी को ही बनाइए, क्योंकि आगे चल के क्योंकि ये इनकम रुकने वाली नहीं है, इसमें किसी को कोई क्वेरी फर्दर वन आम सीपी के उसमें मॉड्यूल में जाएं आगे बढ़े विकास जी अपन जी सिंपल है. सीपी का भी सेम कैलकुलेटर है बट पॉपुलेशन सिंपल है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि उनके पास 10 एसीपी होंगे. यहाँ पे एक और चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, सीपी और एमसीपी टोटली डिपेंडेंट हैं अपने एसीपी के, क्योंकि अगर एसीपी के पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है पिन कोड की, मतलब आप कुछ नहीं है सिस्टम में, आपका एसीपी ही आपकी जड़े हैं आपके एरिया में. अगर एसीपी के पास पिन कोड नहीं है मतलब फिर एमसीपी सीपी का कोई नीचे कुछ है ही नहीं एक्चुअली ग्राउंड में. तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एसीपी जितने मजबूत होंगे उतनी मजबूती आपको ऊपर तक मिलेगी. करेक्ट सिंपल है, बाकी सब चीजें यहाँ पे सेम मैंने कैलकुलेशन लिया है वहां का जो भी था इधर 10 मल्टीप्लाई किया है और सिंपल है. इनकम भी अच्छी हो गई है, वन टाइम इनकम अगर हम यहाँ पे देखें तो सीपी को भी उनके एरिया में अब उनको 10 पिन कोड के यूजर का इनकम मिलता है, जैसे एसीपी को केवल एक पिन कोड का मिल रहा था बट इनको अब 10 पिन कोड का मिलेगा, तो वो करीब 2 लाख रुपए होगा. वेंडर इनकम का इनको करीब 3.5 लाख रुपए मिलेगा. यूपॉस की इनकम का इनको हर महीने वन टाइम इनकम मिलेगा 12 लाख रुपए का और हर महीने मिलेगा 18 लाख रुपए का. एग्जाम्पल चेंज नहीं हुई है, सॉरी स्क्रीन चेंज नहीं हुई है. ओ एक मिनट. ओके ओके अभी दिख रहा है, अभी आपके सामने क्या फिगर दिख रही है आपको? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैंने म्यूट किया है. अब सीपी वाली आ गई है, सीपी वाली शीट तो सिंपल है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 है सब कुछ यहाँ पे, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 10 है, वेंडर मल्टीप्लाई बाय 10 है, क्योंकि सिंपल है सीपी के पास 10 पिन कोड हैं, राइट. और हमने सारे एग्जांपल वही लिए हैं कि पार्टनर अभी भी सिर्फ एक ही यूपॉस महीने का बेच रहा है बट उससे एक सीपी की इनकम कहाँ पहुंच जाती है आप ये देख सकते हो, एज अ यूपीवी इनकम अब उनको 10 पिन कोड से मिल रही है, ये ध्यान रखिए. और उनको सिर्फ 2 रुपए मिल रहा है मगर वो 2 रुपए अगर लाख यूपीवी जनरेट हो रही है तो उनको करीब 2 लाख रुपए यहाँ मिल रहा है. वेंडर इनकम का उनको करीब 1% मिलता है जितना कमीशन हमको सोर्स होता है उसका, तो 3.60 उनको वेंडर कमीशन का मिल गया. यूपॉस पे वन टाइम इनकम जो मिली उनको वो मिली 12 लाख रुपए की, क्योंकि इनको हर यूपॉस पे 1000 रुपए मिल रहा है तो ये वन टाइम इनकम हो गई. मगर अब रेगुलर इनकम देखिए 18 लाख रुपए की, जिसके लिए अभी भी यूपॉस भी एक ही सेल हो रहा है, 12 महीने के बाद यूपॉस बेचना भी नहीं है और 1 लाख केवल एक यूपॉस वाला कमा रहा है, तो इनकम ये हमारे सामने दिख रही है कि एज अ सीपी अ लीडर ऑफ 10 पिन कोड विल नाउ अर्न 23,60,000 रुपए और 12 लाख रुपए एज वन टाइम इनकम, राइट. तो इसमें भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और बाकी ये शीट्स हम आपको भेज भी देंगे तो आप अपने हिसाब से अपने घर पे भी डेटा ऊपर नीचे करके चेक कर सकते हैं. विकास जी जी ये जो यूपीवी इनकम है जी ये तो माई सर्किल में जाएंगे तभी है ना, ये इंस्टेंट कैशबैक? नहीं, इंस्टेंट कैशबैक टोटली डिफरेंट. तो ये इंस्टेंट कैशबैक में भी मिलेगा? ये यूपीवी बनने पे, इंस्टेंट कैशबैक में यूपीवी नहीं होती है, आरपीपी में यूपीवी होती है, फीफो में यूपीवी होती है और माय सर्किल में यूपीवी होती है. तो इंस्टेंट कैशबैक में कुछ नहीं मिलेगा? इंस्टेंट कैशबैक में कुछ नहीं मिलेगा.
ना एसीपी को मिलेगा, ना एसीपी को मिलेगा, ना सीपी को मिलेगा। जी बिल्कुल। इसमें किसी को और फर्दर कोई क्वेरी हो? इसमें आप सिंपल है, आप एज ए एमसीपी जब भी किसी को सीपी बनाइए तो ये टेबल जरूर उनको बताइए, क्योंकि इससे वो गेज कर सकते हैं वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। और उनको ये भी बताइए ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसके लिए फील्ड में एसीपी को जाना पड़ेगा, पार्टनर को जाना पड़ेगा, ये सारी एक्टिविटीज होंगी तो ये इनकम है, ये बैठे बैठे इनकम नहीं आएगी। बट बेस्ट पार्ट ये है कि ये इनकम करने के लिए अभी उनके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ये इनकम करने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो शायद हम यहाँ पे पहुंच सके। बट ग्लोबल गार्नर में उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देना है, बट वो यहां तक पहुंच सकते हैं सिर्फ अपने स्किल लेवल पे। और एक बार यहां पहुंच गए तो यहां से नीचे भी नहीं उतरेंगे, क्यों? क्योंकि यूपॉज वाला भी अपने ट्रांजेक्शन करता रहेगा, वेंडर भी अपने ट्रांजेक्शन करता रहेगा, और यूजर तो अपने ट्रांजेक्शन कर ही रहा है, तो ये एक उनकी इनकम हो जाएगी जो आगे चल के बढ़ेगी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ इनकम है, फिक्स रेवेन्यू नहीं है। राइट, तो यहाँ पे आप कुछ भी करके देख सकते हैं कि अगर मैंने यूपॉज का 10,00,000 लिया है तो आप 10,000 रुपए भी डाल के देख सकते हैं कि आपकी इनकम क्या होगी। तो अगर यूपॉज वाला सिर्फ 10,000 रुपए भी महीने का अर्न कर रहा है तो भी आप 7,50,000 रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं। लेट से आप वेंडर पकड़ के चलिए, 1,800 नहीं हुए केवल 1,000 हुए है, हर पिन कोड पे केवल 100, तो भी आपकी इनकम क्या होती है तो भी आप देख सकते हैं। अभी भी 23,80,000 रुपए अभी भी है। यूजर अगर 1% भी बनते हैं तो क्या होगा, तो ये अभी भी 22,00,000 रुपए है। तो कहने का मकसद क्या है कि अभी भी इनकम इतना कम करने के बावजूद वेंडर कमीशन को भी 10,000 कर दीजिए तो भी 12,00,000 रुपए मंथली इनकम मेरे हिसाब से किसी भी एंगल से बहुत बड़ी इनकम है, और जिसके लिए आप शायद 12 महीने बाद कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल आपको सही तरीके से इस सिस्टम को प्लेस कर देना है। वेंडर जब रिक्रूट हो रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि भाई तुम अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगोगे, नहीं मांगोगे, नहीं मांगोगे। जब यूपॉज उसको बेच रहे हैं उसको चेक करिए क्या ये यूपॉज पे ट्रेड कर पाएंगे, अगर वो ट्रेड करने लायक पर्सनालिटी नहीं है, उनका प्रोफाइल ट्रेड करने लायक नहीं है, तो एज अ सीपी उनको यूपॉज नहीं बेचने दीजिए, अपने एसीपी को मना कर दीजिए कि मुझे इनको यूपॉज नहीं देना है, क्योंकि वन टाइम इनकम केवल आपको 1,000 रुपए मिलने वाली है, मगर वो अच्छा बंदा हो गया तो आपको 1,000 रुपए उस बंदे से हर महीने आएगा, वरना वो जीरो हो जाएगा। और आपको भी होगा यार यूपॉज ने कुछ कमाई नहीं किया, मैंने खरीदा था हुआ नहीं, जैसे लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं बोलते हैं मैं पतला नहीं हुआ, जिम की मेंबरशिप तो हमने साल भर की ली थी, बट जिम में गए नहीं तो आप कैसे पतले हो गए। राइट, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट, जब गोल सेटिंग आप किसी की करें, ये शीट आप सबको दे दें जिसको आप अपनी लीडरशिप टीम में ला रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए उन इस शीट के साथ कि आप इसमें लोएस्ट नंबर भी डालोगे तो भी एक अच्छी इनकम दिखती है, केवल उसको करने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स आपको हर दिन लेने हैं। राइट, अब अगर आप पार्टनर रिक्रूट कर रहे हो वो सिर्फ एक यूपॉज महीने का बेच रहा है, तो ध्यान रखने वाली बात केवल ये है कि वो एक यूपॉज के लिए महीने भर काम नहीं कर रहा होगा। करेक्ट, तो ये चीज अगर आप उनको समझा पाए कि एक पार्ट टाइम जॉब करके भी वो 60,000-70,000 रुपए महीना बना पाएंगे एज अ पार्टनर आफ्टर 12 मंथ्स। आज जितने लोग हैं सेल्स में, डायरेक्ट सेल्स जो कर रहे हैं, चाहे वो बजाज के लिए कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कंपनी HDFC के लिए कर रहे हो, लेट्स से कोई भी आज प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और वो लेट्स से साल दो साल से भी कर रहा है, बट 2 महीने परफॉर्म नहीं करेगा, तीसरे महीने उसकी नौकरी चली जाती है। यहाँ पे अगर किसी ने केवल साल भर प्रॉपरली काम कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे नहीं लगता उसको कुछ भी और जिंदगी में सोचने की जरूरत पड़ेगी, बट ये करना पड़ेगा तो होगा। सिर्फ रुमाल रख देने से, केवल पिन कोड अपने नाम पे कर लेने से नहीं होगा, इसके लिए काम तो करना पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर रखिए। क्योंकि पहले भी लोगों ने क्या किया, जब पिन कोड हमने बांटे तो उन्होंने किसी ने अपने भाई भतीजे मामा दादा सबके नाम से पिन कोड घेर के रख लिए, बट एंड ऑफ द डे जब तक आप पिन कोड पे परफॉर्म नहीं करोगे ये इनकम नहीं आने वाली है। मैं आपको 10 एक्सेल और दिखा सकता हूँ, बट इनकम तभी आएगी जब ये होगा। मैंने यूजर 1% कर दिया, वेंडर का कमीशन 10,000 रुपए कर दिया, और यूपॉज वाला भी केवल 10,000 रुपए कमा रहा है ऐसा लिख दिया है, उसके बावजूद अगर 12,00,000 रुपए मैं महीना कमा सकता हूँ, इट इज ह्यूज इनकम। राइट, बट ऑफकोर्स ये बात है, इससे ज्यादा करेगा तभी यूपॉज, आपने सही आदमी को बेचा है तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है उसका कि वो लोन भी बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो एटलीस्ट वो 2-4-5 लाख रुपए कमाना चाहिए अगर हमने उसको सिस्टम सही तरीके से सेट करके दे दिया है। प्लस आपके माय सर्कल्स हैं, आपके बाकी चीजें हैं जो एज अ यूजर जो मिल रहा है वो सब तो एडिशनल है,
अगर आप यूपॉज ओनर भी हैं, अब आप सोच के देखो माई सर्किल में अगर आप यूपॉज ओनर भी हो और आप एमसीपी भी हो, 12,000 करोड़ का बिजनेस आपके सामने है। अब 12,000 करोड़ के बिजनेस को अगर आप 110 लोगों में इक्वली भी बांटो तो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस जाएगा। 100 करोड़ रुपए का बिजनेस पे अगर आपको 0.5% जो हमारा लोएस्ट कमीशन है यूपॉज पे वो भी मिल रहा है तो भी 50 लाख रुपए महीने की इनकम की हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूपॉज पे। ये सब इनकम तो एडिशनल है क्योंकि एज एसीपी सीपी एमसीपी जो मुझे मिल रहा है वो तो मिल रहा है। केवल माय सर्किल अगर मैं यूपॉज के थ्रू कर रहा हूँ तो ये इतनी बड़ी इनकम है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप यूपॉज लीजिए, उस पर ट्रेड करिए, समझिए सिस्टम को। और मेरे हिसाब से एक बार सिस्टम समझ में आता है तो मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। अब किसी को कोई फाइनल क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। विकास सर, किसी ने इंस्टेंट कैशबैक का ऑप्शन अडॉप्ट किया है जी, तो जो एसीपी को या सीपीओ को या एमसीपी के जो कमीशन मिले थे कैशबैक पर, वो उसको नहीं मिलेंगे फिर? कैशबैक पे कोई इनकम नहीं है, सीपीए सीपीओ कैशबैक पे कहाँ इनकम है, वो तो यूजर को है ना, 10% ऑफ द कैशबैक वो तब भी मिलेगा, इंस्टेंट कैशबैक पे भी मिलेगा। सॉरी हाँ, यूजर को कैशबैक पर अगर बाय डिफॉल्ट इंस्टेंट कैशबैक, हाँ लेट्स से उनको 300 रुपए कैशबैक मिला इंस्टेंट कैशबैक में, 30 रुपए आपको भी मिलेगा यूजर रेफरल की वजह से। की लंबी लंबी सांस हो गई सर। अमाउंट ज्यादा है ना, गिनने में टाइम, सुनने में जितना आसान है सर करने में उतना ही कठिन। सर ये राजू को अलाउ मत करो सर, ये अभी फोटो नहीं दिखा रहा है सर, ये गलत बात है सर, हमारी दाढ़ी बड़ी हुई है सर। सर मैं रोजाना सुबह शाम आता हूँ 9 बजे। नहीं मैं लड़के से आदमी दिख रहा हूँ। नहीं ऑब्जेक्शन स्ट्रॉन्ग सर। मैं लड़के बोला ना कि सुनने में आसान लगता है करने में मुश्किल है। देखिए अगर आसान होता सबसे पहले तो हर कोई कर लेता। अंबानी बनना सब चाहते हैं वो 5,000 करोड़ के घर में रहें, आसान तो नहीं है। 12 लाख रुपए महीना कमाना आसान नहीं है सर। आप यही बात कहीं और से कमा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं सर। आपने ये बात नहीं बोली थी और मैं ये बात आपके मुंह से ही सुनना चाहता था। और जितने बाकी लोग हैं ना जो मेरे एसीपी से भी सुन रहे हैं इसको, जो मैंने एसीपी बनाए हैं वो इस समय आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता था कि ये बात उनको सुना है। सुना नहीं, क्योंकि मैंने ये बात नहीं बोली, दिखाई है, मैंने बोला ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए डेली निकलना पड़ेगा, जाके बात करनी पड़ेगी। बट हाँ इसमें आसानी केवल एक चीज की है। आज अगर मुझे कोई बिजनेस लगाना है, लेट से मैंने ग्लोबल गार्डनर लगाया, मुझे आज इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा, इन्वेस्टर भी ढूंढने पड़े, वेंडर्स के पास भी जाना पड़ा, बड़े ब्रांड्स के पास भी जाना पड़ा, और हमारी आईटी का जो भी खर्चा है, चाहे बिजनेस हो, जैसे अभी अपना पूरा ऑफिस बंद चल रहा है बट मुझे कल सैलरी देनी पड़ी, ये सब आपके सर पे नहीं है। आप इतने बड़े सेटअप के ओनर बन रहे हो बिना किसी 1 रुपए की फ्रेंचाइज पैसा दिए हुए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे अभी ग्वालियर में हुआ या जहां पे मैं अभी देख रहा हूँ, ये होगा कि लोग पिन कोड के लिए एक्चुअली जब तक ये देखिए, हमेशा हमारी आदत क्या रही है, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, गूगल और फेसबुक अगर इंडिया में होते तो कभी नहीं बने होते, क्योंकि जब हम उस चीज में तब कूदते हैं जब हर चीज ऊपर हो जाती है। जैसे आजकल मार्केट डाउन है तो सब एक दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं कि मार्केट में अभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, अभी स्टेबल नहीं है। अरे बाबा जो शेयर तुमने देखा है कि 200 रुपए का हो गया था वो 20 रुपए का है इस समय, तो उसका पोटेंशियल तो तुम्हें पता ही है। लुक, मैं फाइनेंशियल फील्ड का आदमी हूं, मेरी बेसिक जो बुद्धि चलती है, मैंने एक शेयर को 200 तक जाते देखा है। अगर ब्लू चिप कंपनी है तो वो वापस वहां जाएगी, 1 से 2 साल में जाएगी, बट मैं पैसा बना सकता हूँ। बट आप भी अपने दिमाग से यूज करते हुए पैसा इन्वेस्ट करिए। बट हमारी आदत क्या है कि जब कोई चीज ग्रो कर जाती है तब लोग उसमें ज्यादा कूदना पसंद करते हैं। और यहाँ पे क्या है, रिस्क नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी स्कीम लेके आया होता कि आप एसीपी बनिए और आपको इतना पैसा देना है और इतना आप कमाएंगे, तो शायद आप तेजी से अंदर आते, क्योंकि आपका लॉजिक चलता, हाँ यार ये पैसा ले रहा है ना इसलिए कमा रहा होगा दे रहा होगा। बट अभी लोगों का लॉजिक ही नहीं चलता है, ये पैसा मांग तो किसी से नहीं रहा है, इसको ब्रांड क्यों कमीशन दे रहे होंगे, इसको अमेजोन क्यों कमीशन दे रहा होगा। जैसे अभी शुरुआत में लोगों ने बोला यार उनको तो अपना माल बेचना है इसलिए उन्होंने आपके यहाँ शेयर ले लिया होगा। शेयर लेना इज अ बिग थिंग। आप किसी भी कंपनी में 10 रुपए डालते हो, पहले उसकी पूरी पीएचडी देखते हो कि भाई ये कंपनी में मेरा 10 रुपया डूबेगा तो नहीं,
और आप केवल वहां पे एज अ लिस्टेड कंपनी है तो 10 रुपए का शेयर खरीद सकते हो। यहाँ पे हम टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं, वो हमें अपना नाम यूज करने दे रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना। 180 साल पुराना ब्रांड है, वो किसी भी ऐसे फिल्दी नाम में अपने आप को नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि उसको छोड़ दीजिए, उसके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसका पूरा जिगर नोच लेंगे कि इसने ऐसी कंपनी को सपोर्ट किया था, ऐसी कंपनी में पैसा डाला था। और इनिशियल शेयर होल्डर जब भी होता है किसी कंपनी में, तो वो हमेशा उसका प्रमोटर की तरह होता है कि भाई हाँ, उसने पूरा आज 8 महीने उन्होंने मुझे स्टडी किया, 3 बार उन्होंने हमारे प्रपोजल रिजेक्ट भी किए हैं। उनकी आईसी, उनकी एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है जिसमें 3 बार हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। यार ये 100% कैशबैक कैसे कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे, उन्होंने फाइनल एक दिन बोला कि सर या तो आप मुझे एग्जैक्ट पॉइंट दो, कहां गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा है। फाइनली उनकी टीम ने सारा मैथ समझा, सब कुछ किया, एंड देन फाइनली वी साइन दैट अग्रीमेंट। और जिसको भी अग्रीमेंट देखना है, जो चीजें हमने बोली है, देखिए एक चीज, मैं एक चीज और अच्छी चीज बोलूं ग्लोबल गवर्नर की, आपको जो भी इंस्पेक्शन करना है हमारे बारे में, आप हमारे हेड ऑफिस में मोस्ट वेलकम है। आपको A to Z, आपको ग्लोबल गवर्नर नहीं, मैं अमेजोन के साथ क्या है, फ्लिपकार्ट के साथ क्या है, बिग बाजार के साथ क्या है, सब दिखा सकता हूँ। जब मैं अपनी इनकम बता देता हूँ ऑनलाइन में कि मैं कितना कमा रहा हूँ और कितना दे रहा हूँ, तो बाकी तो मेरे लिए कौन सी बड़ी चीज है। और एक बेसिक, एक कहते ना, एक बेसिक चीज अगर आप दिमाग डालेंगे, मैं किसी वाउचर को रिलीज कर रहा हूँ मेरी ऐप से, वो मेरी ऐप में दिख रहा है, और अगर उसकी एक्सेप्टेंस बिग बाजार में है तो बिग बाजार का कुछ तो इंटीग्रेशन होगा मेरे पास। आप अमेजोन पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग मेरे पास आ रही है, मैं बिल रिजेक्ट करूं या एक्सेप्ट करूं, मैं उसका स्क्रीनशॉट तो आपको दे पा रहा हूं ना कि अमेजोन ने मुझे इसका कमीशन नहीं दिया, या दिया तो मैंने अप्रूव कर दिया, तो कुछ तो इंटीग्रेशन होगी बैकएंड में। कि ऐसे ही हो सकता है सब कुछ हवा में, और मैं खुले में सबके नाम ले रहा हूं, हम वेबिनार कर रहे हैं, हम अपने पेपर में ऐड दे रहे हैं, बाकी सब छोड़ दिया। टाइम्स नाउ में तो आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा, मतलब वो भी ऐसे ही हवा में हो गया। तो जब इतनी सारी जगह मैं नाम ले रहा हूँ, क्या ये टाटा और जितने ब्रांड हमारे साथ एसोसिएटेड है, इनको नहीं अपने नाम की पड़ी है कि कल को ये बंदा भाग गया, बोल रहा है 100% कैशबैक देंगे तो हम क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से जिस तरह के ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहां तक लाए हैं, हमारी टांग तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि हमने इस कंपनी को बेचने की कभी नहीं सोची। बेच दिया होता तो सब हमारे दोस्त होते। तो जितने लोग आपको फोन करते हैं, जितने लोग आपको बताते हैं, ऐसा बहुत लोग बहुत रेगुलरली करते हैं, बस उनको कृपया करके एक ही चीज बोलिए, सर आप मुझे बचा लो, ये आदमी हर जगह आके मेरे से बताता है बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आप इस बंदे के सामने बोल दो ये बात जो आप बोल रहे हो मुझे। अगर उसकी ताकत देखिए, मेरे साथ लोग क्यों डरते हैं मेरे सामने बोलने से, क्योंकि मैं तुरंत उनको नोटिस भेज देता हूँ। एक बार दैनिक जागरण ने गलत छापा था हमारे बारे में, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देहरादून में दैनिक जागरण पेपर मालूम है आपको, यूपी का फेमस है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, और अगर आपको चाहिए तो मैं पेपर कटिंग भी देता हूँ, उन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके एक लिस्ट निकाली सस्पिशियस कंपनी का, कि ये कंपनियां हैं जो थोड़ा सस्पिशियस वे में काम कर रही है, और वो हमारी बहुत शुरुआती दिनों की बात है, तब ये टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब भी नहीं था हमारे पास, और वहां पे उन्होंने हमारी लिस्ट में नाम निकाल दिया। हमें पता चला, हमने 140 करोड़ का डिफेमेशन डाला था उनके ऊपर, उनकी तरफ से आया कि भैया ये गलत होगा, हम इसका अपॉलॉजी डालते हैं, और फाइनली उन्होंने, हमने कहा हमें मेल पे अपॉलॉजी नहीं चाहिए, आपने जिस पेपर में हमारे बारे में लिखा था उसी पेपर में आप लिखेंगे, और उन्होंने तीसरे दिन वहां पे निकाला कि हाँ ये गलती से इनका नाम आ गया, RBI ने कोई इनका नाम नहीं दिया था। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं हमारे बारे में अजीब अजीब तरीके की बातें हैं, बट मैं सिंपल बोलूंगा, उस आदमी को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, अगर वो इतना ही सच्चा है तो उसको सामने खड़े होने में मेरे साथ दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं सामने हूँ, अगर वो मैं चोर हूँ और मैं सामने आके बात करना चाह रहा हूँ, तो पुलिस तो बात कर ही सकती है ना मुझसे। So I think that is from my side. Anything you want to add, you can add. Yeah. सर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बार हम जब यूपी के प्रेजेंटेशन में थे तो वो बात आ रही थी कि आप अपने हेड ऑफिस की तरफ से कुछ प्रमोशंस, कुछ कैनोपीज, कुछ फ्लैक्स ये भेजेंगे, तो वो यूपॉस होल्डर के लिए ही है जी। ओके अच्छा, यूपॉस को मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको लेना चाहूंगा। मैं यूपॉस के कंसेप्ट को नॉर्मली लोगों से ये कह रहा हूं कि इट इज लाइक अ डिजिटल मॉल। एग्जैक्टली, कि आप एक एक जगह बैठकर आप दुनिया भर के प्रोडक्ट जो हमारे ऐप में हैं
उनको आप ट्रेड कर सकते हो, और जो 98% पॉपुलेशन जो अभी ऑफलाइन ट्रेडिंग करती है उसको आप ऑनलाइन ट्रेडिंग या हमारे इस सिस्टम में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल, और उसमें सबका फायदा है जी। अगर आप लोकल वेंडर भी, जैसे अभी ये सिस्टम केवल 12,000 लोकल वेंडर का है, जैसे जैसे अब हमारी एसीपी सीपी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे लोकल वेंडर भी तो आएंगे सिस्टम में। बिल्कुल ठीक बात है। आज 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड वेंडर हैं जस्ट डायल पे, सिर्फ जस्ट डायल का डेटा बोल रहा हूं, उसमें से हमें कितने चाहिए? 36 लाख, और जिनको कोई फीस नहीं देनी हमें, उनको तो पैसे कब देने हैं? जब सेल होगी। और वेंडर को क्या बेनिफिट है कि भाई उसको सेल मिल रही है, यूजर को क्या बेनिफिट है? उसको कैशबैक मिल रहा है जो अभी तक लोकल दुकानदार के यहाँ था ही नहीं। हाँ जी सर, एक एग्जांपल आप थोड़ा सा अपने सिस्टम पर मुझे बताए हैं। मुझे मान के चलिए आटा खरीदना है, अब मैं लोकल वेंडर से, मान के चलिए मैं अहमदाबाद में हूं, मैं अपने लोकल वेंडर से आटा लेना चाहता हूं, तो क्या आपके ऐप पर पर्टिकुलर आटा और उसके ब्रांड और उसके अमाउंट आएंगे या कैसा आएगा? मतलब लोकल वेंडर के प्रोडक्ट्स कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे? सब ऐप में ही होंगे। सबसे पहली चीज, हम आपको वेंडर दिखाएंगे। अगर आप यूजर हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मुझे ऑनलाइन ही खरीदना है बट लोकल वेंडर से खरीदना है, तो आपको उस वेंडर की कैटेगरी में जाके उस वेंडर से वो माल दिखेगा, आप उसको एड टू कार्ट करके खरीद सकते हैं। बट बेस्ट पार्ट क्या है, जब आदमी आपकी आवाज फंस गई, जब वेंडर रजिस्टर होगा जी, जब वेंडर रजिस्टर होगा तो बकायदा उसका कैटलॉग अमाउंट वगैरह सब डिस्प्ले होगा। हाँ, वो हर चीज डाल सकता है, वही तो बेस्ट पार्ट है ग्लोबल गार्नर का, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड प्रोडक्ट डालिए, और पूरा इन्वेंटरी बैकेंड से मैनेज भी करिए। ये सॉफ्टवेयर पैसे से मिलता है, आज shopify.com करके कंपनी है, वो यही पैकेज 3 लाख रुपए का देती है साल का रिन्यूअल के साथ। 3 लाख रुपए में आपको ये जो हम वेंडर को दे रहे हैं ना, ये 3 लाख रुपए में शॉपिफाई दे रहा है। राइट सर, और जिसमें कोई सेल्स का इकोसिस्टम नहीं है, कुछ कैशबैक नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ वेबसाइट। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, बट फ्री में। हाँ सॉरी सर, राजू आ गया सर। हाँ सर मैं आ गया सर, बिना चेहरे के। अब चेहरा दिखा दीजिए साहब, आपका चेहरा तो मतलब भी देखने का पड़ा। सर क्या मेरे पीस पे सर वेब कैमरा नहीं है, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सर मैं ये कहना चाह रहा था, आपने माई सर्कल बताते समय एक चीज बता, सॉरी यूपोस बताते समय सर एक बात बताई थी जी, कि उसमें आपकी 5 UPB हो जाती है जी, तो सर थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पाया था सर, उसको प्लीज एक बार बता देंगे क्या? आप हमारे वहाँ जब भी 10,000 रुपए खर्चा करते हैं आपको 1 UPB मिल जाती है, आप यूपॉस खरीद रहे हैं 54,000 का, तो 5 UPB हो गई। अच्छा, उसमें GST काउंट नहीं होता? GST नहीं काउंट कर सकते ना, GST तो आपको सेट ऑफ मिल जाएगा आपके अपने बिजनेस में। अच्छा, मैं GST का इनपुट ले सकता हूँ सर अपने यहाँ? जी बिल्कुल ले सकते हैं, GST के कानून तो वही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई और प्रश्न नहीं तो आप इसको बाइंड अप करें आज। अब केशव जी भी थक गए। केशव उन्होंने तो सर उन्होंने हमारे स्टेट हेड साहब में चाय भी पी ली और लड्डू भी खा लिया सर। क्या बात कर आप, लड्डू नहीं हमको दिखा, लड्डू मुझे दिखा। सारी जी पूरी नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर। खिलाया था सर मुझको, खिलाया था लड्डू सर ने मुझको, खिलाया था लड्डू। लड्डू नहीं है लेकिन ये कचौड़ियां हैं, आप सब लोग खा सकते हैं। मुझको खिलाई थी सर, ये नहीं दिख रहा हूं मैं। ये घर पे बनी हुई कचौड़ियां हैं। मैं सर के साथ में बैठा हुआ हूं इसलिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा सर, मैंने खाई थी सर। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। सो विकास जी का, रमन जी का और सभी जो है हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं ग्लोबल गार्डनर से संबंधित, आप सब लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद है इस बात के लिए कि आपने बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं टीम के लिए, एमपी टीम के लिए, उनकी आपने उनको प्रॉपर कन्विंस करने का प्रयास किया है। और एमपी टीम के सभी अपने दोस्तों का मैं जो है इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो जो है हमारे साथ में यहाँ शामिल हुए, इतना समय दिया, अपनी प्रश्न उन्होंने सामने रखे, बहुत सारी चीजें हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ उनके इस प्रश्नों के माध्यम से। और हम जो है इस तरीके का सेशन जब भी जरूरत होगी फिर फ्यूचर में फिर एक बार पुनः रखेंगे। अभी हम इस मीटिंग को आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। केशव भैया, सुशील भैया को बधाई दे दीजिए, आज के हमारे नए नए स्टेट हेड अपॉइंट हुए हैं।
सुशील जालान जी वो दिख रहे हैं मुझे ऊपर बैठे सर सर वो दिख रहे हैं सब लोग सब आप लोगों की मेहनत है सर और आप लोगों का जो सहयोग चाहिएगा बस अब हमको अगले हफ्ते आपकी एक बहुत बड़ी मीटिंग चाहिए और कुछ नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल 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 इसीलिए मैंने आज मीटिंग अटेंड की पूरी सुशील जी सुशील जी हमारे यहाँ जॉन हमारे यहाँ जॉन प्रेसिडेंट की शॉर्टेज रहती है एसीपी अगर एमसीपी चाहिए तो हम यहाँ से भेज सकते हैं सर मैं तैयार हूँ सुशील भाई मैं तैयार हूँ बधाई है आपको बिल्कुल 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 सर ये विकास जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आउट ऑफ द स्टेट जाने की इजाजत दी जाए नहीं नहीं अभी कोरोना है अभी बाहर स्टेट के बाहर भी शहर के बाहर भी नहीं जाना सर एक सजेशन रहेगा केशव सर जी सर जैसे कोच का अपना रोल होता है खिलाड़ी का अपना रोल होता है लेकिन जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है अगर वो हमको ट्रिक बताता है तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलती है तो कोई भी सीपी या कोई भी एसीपी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा हो अगर वेरी नाइस उसका अगर जैसे हम ये जो जूम पर जो मीटिंग करते हैं अगर उसके वो एक्सपीरियंस अगर हमको मिल हमको सही जगह पर सही घुसने का रास्ता मिल जाएगा सर अभी अभी थोड़ी देर के लिए बालू आए थे यहाँ मीटिंग में लेकिन वो निकल लिए नहीं तो उनको पकड़ लेते जो अच्छा कर रहे हैं मैं हर ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ जी जैसे आज उनके एमसीपीज ने इंडिविजुअली मैं कल से देख रहा हूँ इंडिविजुअली कम से कम 80 से 100 लोगों की मीटिंग करते हैं एक हमारे आंध्रा में है मिस्टर रतन राजू करके वो डेली मिनिमम 100 लोगों का बीओपी करते हैं एटलीस्ट दिन में 3 बार माय गॉड तो आई थिंक बहुत सारी अंदर जी कुछ कीजिए आप भी हो चुकी है बिल्कुल बिल्कुल सर सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सर जैसे कि बड़े बड़े लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्यों से ही प्राप्त होते हैं जी। इसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि सर हमें इस समय दो चीजों पे यदि हम फोकस हो जाए यूजर बनाना और वेंडर बनाना जी। तो उससे क्या होगा मुझे हमें थोड़ी आसान मतलब सबको बहुत आसानी हो जाएगी और वेंडर बनाते समय या यूजर बनाते समय हम ये ना सोचें कि ये मेरे पिन कोड में नहीं है मतलब जहां भी हमें मिल रहा है जहां भी मैं जहां तक मेरी पहुंच है मैं वहां वेंडर बनाऊं उसको मोटिवेट करूं कि वो ग्लोबल गार्नर के साथ जुड़ सके इसी प्रकार से जहां तक मेरी पहुंच है मैं यूजर बनाऊं मैक्सिमम क्योंकि जब तक ये लोग यूजर वेंडर नहीं होंगे तब तक शायद बूम नहीं आ पाएगा देखिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें जिस हायरकी को हमने जैसे बनाया ना इसको ऐसे ही पकड़ के चलिए एमसीपी सीपी को रिक्रूट कर ले पहले 10 सीपी अपने एसीपी रिक्रूट कर ले एसीपी अपने पार्टनर रिक्रूट कर ले अब पैरेलली पार्टनर रिक्रूट करने के बाद एसीपी वेंडर पे लग जाए और पार्टनर यूपॉस पे लग जाए यूपॉस वाले को यूजर पे काम करने दीजिए क्योंकि उसका सर्विस पॉइंट क्योंकि जैसे ही अभी जैसे आप लोगों ने शुरुआत किया कि यार वो 2.5% क्यों एक्स्ट्रा लग रहा है वो मैं बिल इधर से पे करूं उधर से पे करूं क्यों पे करूं ये सब के सवाल के बेस्ट आंसर एक यूपॉस वाला दे सकता है क्यों क्योंकि उसके पास वो टूल है वो बोलेगा ये 2.5% आपको खड़े कर मैं 0 कर देता हूं मेरे यूपॉस से आप समझ रहे हैं ये हायरकी जो हमने सिस्टम बनाया है ना फ्लो अगर आप डायरेक्ट यूजर बनाने जाओ अगर जैसे ही आपके यूजर ने 2 बार बोल दिया या 2.5% आपको 50 रुपए टिकट देने में नहीं तकलीफ होगी मगर उस आदमी को 2.5% मतलब जो 8 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है उसमें तकलीफ होगी आप समझ रहे हो तो उसको ये समझाना पड़ेगा भाई कि ये 8 रुपए के एवज में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है और अगर आपको केवल 8 रुपए खटक रहा है तो मेरे पास ऐसी हजारों करोड़ों सर्विसेज है जहां 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं पड़ रहा है केवल बिल पेमेंट मत करो चलो खाना तो खाते हो कपड़े तो पहनते हो गोल्ड खरीदते हो ट्रैवल करते हो वो सब बेस्ट है ग्लोबल गार्नर के पास सिर्फ एक ही जगह 2.5% 3% एक्स्ट्रा जा रहा है जो बिल पेमेंट्स है क्योंकि वहां पे ग्लोबल गार्नर को कमीशन नहीं मिलता है और ग्लोबल गार्नर का जो मैं पार्टनर हूं मुझे यूपॉस पे कुछ तो कमीशन देना पड़ेगा आज आप ट्रैवल एजेंट से जब टिकट कराते हो 200-500 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेता है और आप सालों से दे रहे हो बट वहां पे आपने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां वापसी का कोई गारंटी नहीं है हमसे वो लोग केवल सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम वापसी की गारंटी दे रहे हैं अगर हम बोलते 0 देंगे तो शायद ये सवाल ना है वो बोलेंगे हाँ यार वो कमाएगा कुछ तो कमाएगा आदमी काम कर रहा है तो ध्यान केवल आपको ये देना है इसी हायरकी से चलिए और अगर आपको यूजर रेफर करना है तो सिर्फ और सिर्फ माई सर्किल में करिए क्योंकि जहां पे आपके यूजर भी तुरंत पैसा बनाएंगे और आप भी तुरंत पैसा बनाओगे केवल यूजर रेफर करने के लिए मत रेफर करिए कल मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाली थी जहाँ मेरा कॉन्वर्सेशन एक यूजर के साथ एक्चुअली चल रहा था
जी, और उनको ग्वालियर में किसी ने शायद रेफर किया था जी। अब वहां पे क्या हुआ कि सिर्फ रेफर करके अब उनको ये बोला गया कि आप वीडियो देख लो और वीडियो समझ में आएगा, कहीं देखिए उनको नहीं समझ में आया। अगर आज आप ऐसे समझो पूरे इंडिया से अगर मुझे यूजर्स के फोन आने लग जाए शायद मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। बिल्कुल तरीके से आपके लिए अगर एमसीपी लेवल पे या सीपी लेवल पे अगर आपके पास क्वेश्चंस आने लगेंगे तो एक टाइम बाद आप भी हैंडल नहीं कर पाओगे और यूजर को एनी हाउ आपको समझाना ही पड़ेगा। बिना समझाए उसको समझ में नहीं आने वाला है कि कैशबैक वाले तो चूज कैसे करना है और कौन से कैशबैक में उसको क्या मिलने वाला है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और वो बंदा अपने सिस्टम में सबसे बढ़िया है यूपॉज वाला, वो क्यों समझाएगा, क्योंकि उसको समझाने के दो पैसे मिलने वाले हैं और उसको यही काम करना है, उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, उसको यूजर बनाने हैं, माल बेचना, काम खत्म। आपके पास आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एसीपीज बनाने हैं, सीपीज बनाने हैं, उनको कोच करना है, मेंटर करना है, तो आप अपना काम करो, दूसरा काम दूसरे को करने दो, वरना एक टाइम बाद आपके कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाएंगी, आप भी नहीं कर पाओगे और एनी हुआ आपके एफर्ट बेकार चले जाएंगे। आज आपने आप ठीक है आप यूजर बनाओ, आप दो यूजर भी अगर डेली बनाते हो तो उनको फिर 10 मिनट 15 मिनट दो, 20 बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दो को बोल रहे हो आप दो को फिर टाइम दो ताकि आप उनको कन्वर्ट करो, क्योंकि दो अगेन जैसे मैंने उसमें ही बोला था एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपको 10 लाके देगा, exactly. एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर 10 लेके चला जाएगा। नहीं वो 100 को फोन करता है, मैडम को किया ना आज वो मैडम से लेना है नाम। हेलो 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 विकास जी, जी हेलो, एक क्वेश्चन था मेरा, नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ। ये जो 2.5% की बात हो रही है कि कोई भी रिचार्ज करते हम या बिल भरते हैं तो हम ग्लोबल गार्नर के ऐप से जाके अमेज़न से जब करते तब तो नहीं लगता ये सब? हाँ वहाँ नहीं लगता, बट उसपे कैशबैक भी नहीं मिलेगा ना। अच्छा कैशबैक नहीं मिलता है तब जी, क्योंकि आप अमेज़न पे देखोगे तो बिल पे में हम कैशबैक नहीं देते हैं, क्योंकि बिल पे में हमें अमेज़न कोई कमीशन नहीं देता है। राइट 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 ओके ठीक है। सर एक सवाल और जी। हेलो सर एक सवाल है, क्या अगर जैसे कि वेंडर ना बनाए तो मतलब वेंडर की तरफ कम ध्यान दे दिए, अगर यूजर ज्यादा बनाए जाए तो ज्यादा ठीक है क्या सर? वो फिर आप केवल यूजर आपसे करिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ। अपना रोल समझिए, अगर आप एमसीपी हैं आपका एक फोकस है मैं अच्छे सीपी लाऊंगा, आप सीपी हैं आप अच्छे एसीपी पे केवल फोकस करिए, वो 10 हीरे ढूंढने हैं आपको, आप एसीपी हैं 10 पार्टनर पे फोकस करिए और वहीं पे आप पैरेलल, अगर एसीपी हैं तो आपका काम है वेंडर लाना। अब वेंडर और यूपॉज ये दो लोग यूजर लाएंगे क्योंकि इनको फायदा मिलता है यूजर लाने से, वेंडर का भी सेल बढ़ता है और यूपॉज को भी कमीशन मिलता है, तो जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। अगर आपको केवल फोकस करना है यूजर पे तो आप केवल यूजर ऐप डाउनलोड करिए और माय सर्किल खेलिए, वहां पे भी बहुत बड़ा पैसा है, एक माय सर्किल आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा है। अगर आप 6 से ज्यादा यूजर बना सकते हैं तो आप जितने चाहे उतने माय सर्किल बनाइए ना, आप 10 माय सर्किल चला सकते हैं एक साथ, 10 करोड़ रुपए हर 9 महीने में कमाएंगे आप। ठीक सर, मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वेंडर भी बनाना ही पड़ेंगे जी। आप अपने रोल को समझिए, आपके रोल के हिसाब से आपको क्या चाहिए, आप वो हिसाब से अपने आप को एक्टिव रखिए। ओके ओके चलिए विकास जी क्लोज करिए, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। Thank you.